Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. Wish you all a very, very happy Navratri. So Navratri jo hai bas aane hi wale hai and kuch log aap mein se ye video tab dekhenge jab Navratri shuru hone wali hongi and kuch log Navratri mein ye video dekh rahe honge and maybe uske baad bhi. But irrespective of that, this is a timeless video. क्योंकि मैं आज जो है माता के नौ रूपों से कनेक्ट होकर आप लोगों को उनके द्वारा चैनल करके मैसेजेस दूंगी. तो ऑफ कोर्स वो जो मैसेजेस हैं हमारी ज़िंदगी में किसी भी टाइम पर एप्लीकेबल है. एंड आज की जो रीडिंग होने वाली है थोड़ी सी यूनिक होने वाली है, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी कैसे. बट लेट मी बिगिन विद टेलिंग ऑल ऑफ यू दैट नवरात्रि का जो फेस्टिवल है, जैसे कि हम सब जानते हैं दैट यू नो इतना ब्यूटिफुली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल है. इट्स लाइक यू नो एक विजय प्राप्त करी थी माता ने यू नो असुरों के ऊपर, डीमंस के ऊपर. एंड हम सबको अपने अंदर की शक्तियों का आभास जो है माता हर एक फॉर्म में करवाती है कि एक इंसान की, एक मनुष्य की फुल पोटेंशियल क्या है, वो इंसान क्या कुछ जो है कर सकता है, किन चीज़ों को अचीव कर सकता है. यू नो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. एंड एक ही इंसान के भीतर इतने इतने अलग रूप होते हैं जो कि हमारे सामने यू नो जब हम उस लेवल तक जाकर उसको अनलॉक करते हैं तो यस हम उस एनर्जी के अंदर जो है आ सकते हैं, अपने आप को पा सकते हैं. और जैसे कि आप सब जानते हैं ये काली रंग में सब कुछ ही महाकाली की एनर्जी का ही एक्सटेंशन है. तो डेफिनेटली मेरे लिए तो ये दिवाली से कम नहीं है त्यौहार. एंड बहुत खुशी मिलती है मुझे यू नो नवरात्रि सेलिब्रेट करके इन द होल फेस्टिव मूड, जहाँ पर हम माता की सेवा करते हैं, यू नो आरती गाते हैं, उनको उनको भोग चढ़ाते हैं, यू नो एंड खेतरी जो है आप बीजते हैं. और आई थिंक बहुत सारी विशेस मांगने के बजाय इट्स एक्चुअली जस्ट यू नो एम्ब्रेसिंग माता. मेरे लिए वो एक चीज़ जो है लाइफ में बहुत मैंने यू नो लर्न किया है ओवर माई जर्नी कि हमें ना भगवान से सारा टाइम कुछ मांगते नहीं रहना है. ऑफकोर्स अगर हमें उनकी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, हम कहीं फंस गए हैं तो हम ऑफकोर्स उनसे मदद मांग सकते हैं यू नो. लेकिन सारा टाइम ही हम उनसे उनके पास तभी जा रहे हैं जब हमें कोई मदद चाहिए या कुछ चाहिए. नहीं, उनके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप रखना, उनके साथ एक बिल्कुल एक निस्वार्थ रिलेशनशिप रखना जहाँ पर आप उनसे उनके लिए कनेक्ट हो रहे हो, उनके प्यार के लिए कनेक्ट हो रहे हो और आप भी उस चीज़ को महसूस करोगे. एंड जो फीलिंग होती है ना उससे बड़ी फीलिंग आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगी, राइट? एक छोटी सी स्टोरी मैं जो है आप लोगों को सुनाऊंगी. माता की तो बहुत सारी स्टोरीज जो है हम आगे सुनेंगे ही, बट जगन्नाथ पुरी जो है यू नो इतना फेमस जो टेंपल है वहाँ पे डीटीज है, तो उनकी एक स्टोरी है और एकदम से मुझे मन किया मैं आप लोगों को सुनाऊँ. सो उनके एक भक्त होते हैं जगन्नाथ जी के, जो पूरी लाइफ जो है उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखते हैं, पूजा करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, राइट? एंड जिंदगी के आगे यू नो एक ऐसा वक्त आता है जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है जो भक्त होते हैं. एंड जब उनकी तबीयत खराब होती है तो इस कदर वो बेड पर आ जाते हैं दैट यू नो वो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, राइट? उनकी खुद ही उनको उठने की हालत नहीं हो रही है, काफ़ी मतलब उनकी तबीयत जो है ख़राब होती है. सो उस टाइम पर ही बेड रिडन हो जाते हैं, राइट? एंड उस टाइम पे क्या होता है कि भगवान जो है वो खुद स्वयं उस भक्त के पास आते हैं और उस भक्त को हेल्प करना शुरू कर देते हैं, उसकी सेवा करना शुरू कर देते हैं, उसका ध्यान वो भगवान जो है रखना शुरू कर देते हैं, राइट? एंड कुछ दिन जैसे बीतते हैं तो यू नो ये भक्त जो है देखता है कि भगवान मेरी सेवा कर रहे हैं, राइट? तो वो समझता नहीं है कि व्हाट इज हैपनिंग. तो वो भगवान को पूछता है कि आप क्यों मेरी सेवा कर रहे हो, राइट? आप तो भगवान हैं, अगर आप चाहें तो मुझे एक क्षण में, एक पल में ठीक कर सकते हैं एंड आपको मेरी सेवा नहीं करनी पड़ेगी, तो आप ये क्यों कर रहे हैं, राइट? तो भगवान जो होते हैं उनको बोलते हैं दैट यू नो तुम्हारे जो कर्म है वो कुछ कर्म काटना बाकी है, कुछ रह गया है. और अगर मैंने अभी ही तुम्हें ठीक कर दिया, राइट, या अगर अभी ही मैंने तुम्हें वो कर्म नहीं भोगने दिया तो तुम्हें यहाँ दोबारा जन्म लेना पड़ेगा अगले जन्म में, और वो मैं नहीं चाहता. मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ,
राइट सो इसलिए ये इस टाइम पर मैं आया और मैंने तुम्हारी मदद करी, बट ये तो तुम्हें भोगना ही था। और उन्होंने बताया कि अभी भी तुम्हारे जो है बीमार होने के 15 और दिन बाकी है, वो कर्म फल के 15 और दिन जो है बाकी है। लेकिन तुमने मेरी इतनी सेवा करी, तुमने मेरी इतनी भक्ति, इतनी पूजा करी, और तुम इस कदर यू नो मेरे से कनेक्टेड हो, तो वो मैं अपने ऊपर लेता हूँ और तुम्हें मुक्त करता हूँ। तो आज भी जो है ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि भगवान 15 दिन के लिए हर साल जो है बीमार पड़ते हैं, राइट? सो मतलब जब मैं ऐसी स्टोरीज पढ़ती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, राइट? आई गेट गूज बम्स, क्योंकि इस तरीके की स्टोरीज सिर्फ यू नो एक मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस नहीं है, यू नो, बट मेरी खुद की जिंदगी में ऐसी चीज़ें घटित हुई है, मुझे माता से जो चीज़ें कनेक्टेड हुई है, जो मेरी जिंदगी में जो परिवर्तन, जो बदलाव, जो मिरेकल्स हुए हैं, ऐसे ही थोड़ा ना काली रंग है, ऐसे ही थोड़ा ना मैं आऊँ, राइट? ऐसे ही थोड़ा ना ये सब कुछ है, बिकॉज मेरी भी स्टोरीज में यू नो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसने मेरा फेथ इतना स्ट्रांग कर दिया माता के अंदर, मेरा बिलीफ सिस्टम, यू नो मेरी पूजा, मेरा पाठ, जो जो मुझे माता के टूवर्ड्स खींच के ले गए, राइट? एंड वहाँ से भी जो मुझे रेसिप्रोकेशन मिला है वो प्राइसलेस है मेरे लिए, यू नो। एंड इसलिए आज बहुत बहुत ज़्यादा मन था मेरा कि मैं माता के सारे यू नो 9 रूपों से मैसेजेस चैनल करूँ और आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। एंड यस, मैं आप लोगों को रीडिंग आज कैसी होगी समझा देती हूँ। सो ये एक कस्टमाइज्ड टैरो कार्ड रीडिंग है, राइट? एंड क्या होने वाला है कि यूजुअली जो है मैं 2 ग्रुप्स रखती हूँ एंड उन 2 ग्रुप्स में हम डिवाइड होके रीडिंग देखते हैं, लेकिन आज मैं चाहती थी कि आप खुद अपनी रीडिंग चूज करें, राइट? सो रीडिंग जो है रफली अबाउट 30-40 मिनट्स की ही होने वाली है, लेकिन इसको चूज करेंगे आप, और कैसे वो मैं आपको समझाऊंगी। सो यहाँ पर मैं अलग अलग एक एक माता से एक एक मैसेज चैनल कर आपको अलग ग्रुप्स के अंदर जो है यहाँ पर डाल दूंगी। एंड आप जो है किन्हीं भी 4 माताओं से जिनसे आपको सबसे ज्यादा पुल फील हो रहा है, जिस ग्रुप से आपको सबसे ज्यादा कनेक्शन फील हो रहा है, किन्हीं भी 4 माताओं को आप चूज करके वो मैसेज देख सकते हैं और ये कंबाइंड मैसेज जो है आप अपनी लाइफ के अंदर ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट विल बी योर ग्रैंड नवरात्रि मैसेज। ओके, यस। सो आज की रीडिंग जो है हम ऐसे करने वाले हैं, तो लेट्स रिकॉर्ड, लेट्स गो अहेड। मैं शुरू करने वाली हूँ ये, एंड बहुत सारी जो है आज अपनी एनर्जी माता के पास लगाई है, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल के इस रीडिंग को शुरू कीजिए। आज जो भी कमेंट्स भी करेंगे उसमें भी आप जो है जय माता दी लिखिएगा, एंड उसके बाद जो भी आप बताना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत खुशी फील होती है, बहुत कनेक्शन फील होता है आप सबसे। ऐसा फील होता है कि यस, हम यू नो कनेक्टेड है, एंड जो भी आप फील कर रहे हो वो मैं पढ़ पा रही हूँ एंड उससे कनेक्ट कर पा रही हूँ। एंड यस, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है आप लोगों के लिए है। बहुत टाइम से आप लोग सब जो है एक टैरो कोर्स की मांग कर रहे थे कि मैं आके टैरो सिखाऊं आप लोगों को, जिस तरीके से मैं टैरो करती हूँ, जो भी सब मेरा एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स, विजडम्स, जो भी सब कुछ है उसको टैरो द्वारा आपके आगे लेकर आऊं। एंड ये जो है ये चीज़ हो चुकी है। सो टैरो कोर्स ऑलरेडी मैं अनाउंस कर चुकी हूँ, 15 अप्रैल से 21 अप्रैल ये टैरो कोर्स जो है रहेगा। एंड अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे कॉन्टैक्ट करने को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इंस्टाग्राम द्वारा, ईमेल द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी सीट्स रिजर्व कर सकते हैं, एक्सटेंसिवली टैरो सीख सकते हैं, प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर आप बन सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स, फैमिली या अपने लिए भी करना चाहते हैं, तो येस यू कैन डू दैट। एंड इसके अंदर मैं टैरो के अलावा भी जो है बहुत सी ऐसी बातें सिखाऊंगी जो किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगी या किसी भी जगह, क्योंकि ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इन चीज़ों को डिराइव किया है एंड ये मैं अप्लाई भी करती हूँ अपनी लाइफ के अंदर, राइट? सो मैं बहुत कुछ आपसे एक इंटरैक्टिव वे में लाइव सेशंस लेने वाली हूँ एंड रिकॉर्डिंग्स भी जो है भेजी जाएंगी। सो बहुत ही मतलब एक ईजी बना दिया है कोर्स आपके लिए, ताकि यू नो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो आप लोगों को। अगर टाइम मैच नहीं हो रहा है, कभी अटेंड नहीं कर पा रहे हो, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो मैंने यही सब कुछ सोच के आप लोगों के लिए जो है कोर्स में लेकर आई हूँ। तो डेफिनेटली यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट। ओके, सो यस, प्लीज गो अहेड एंड मेडिटेट कीजिएगा, कनेक्ट कीजिएगा अच्छे से
माता को ही पूछना कि कौन से ग्रुप से हमारे, एंड माता आपको श्योरली आंसर करके आपको अपने ग्रुप तक ले जाएगी। सो लेट्स गो अहेड एंड आई विल बी सीइंग यू एट योर रीडिंग। हो जाइए साक्षी माता के 9 रूपों की शक्तियों के, जिसको चैनल किया गया है इस अद्भुत और शक्तिशाली ब्रेसलेट में। इस ब्रेसलेट को पहनने से आपकी शक्तियां जागृत होंगी, आप अपने आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाइयों तक जाने में सक्षम होंगे। ये ब्रेसलेट को पहनने से आपको सहायता मिलेगी अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने की, और एक नई उज्जवल, शीतल और प्रभावशाली ऊर्जा को अपने भीतर आभास करने की। हर एक ब्रेसलेट सिमरन कुमार माथुर द्वारा चार्ज, एक्टिवेट और तैयार किया जाता है। इसमें आपके नाम से पूजा करी जाती है और फिर आपको ये भेजा जाता है। आज ही ऑर्डर कीजिए काली रंग पर। हो जाइए साक्षी माता के 9 रूपों की शक्तियों के, जिसको चैनल किया गया है इस अद्भुत और शक्तिशाली ब्रेसलेट में। इस ब्रेसलेट को पहनने से आपकी शक्तियां जागृत होंगी, आप अपने आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाइयों तक जाने में सक्षम होंगे। ये ब्रेसलेट को पहनने से आपको सहायता मिलेगी अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने की, और एक नई उज्जवल, शीतल और प्रभावशाली ऊर्जा को अपने भीतर आभास करने की। हर एक ब्रेसलेट सिमरन कुमार माथुर द्वारा चार्ज, एक्टिवेट और तैयार किया जाता है। इसमें आपके नाम से पूजा करी जाती है और फिर आपको ये भेजा जाता है। आज ही ऑर्डर कीजिए काली रंग पर। ग्रुप नंबर 1, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपने जो रीडिंग चूज करी है ये माँ शैलपुत्री की है, एंड माँ शैलपुत्री जो है दैट इज, इसका मीनिंग क्या है, दैट शी इज द डॉटर ऑफ द किंग। ओके, एंड दिस किंग जो है ये किंग ऑफ हिमालयाज है, तो किंग हिमावत की जो बेटी होती है दैट इज शैलपुत्री। सो शी इज द डॉटर ऑफ द माउंटेन्स। ओके, यस, इनका मीनिंग ये है। एंड शैलपुत्री माता का जो है फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट रूप है, एंड नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा होती है। एंड इनको जो है माता सती का इंकारनेशन जो है देखा गया है, क्योंकि माता जो है जब वो सती हो गई थी, एंड उसके बाद माता सती जब उन्होंने हवन में अपने आप को कम्प्लीटली बर्न कर दिया था, जला लिया था, और उसके बाद जब उन्होंने एक बॉडी धारण करी, उसके बाद जब उन्होंने जन्म लिया तो वो माँ शैलपुत्री के फॉर्म में उन्होंने जन्म लिया। ओके, सो आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं, डेफिनेटली इसके पीछे कोई कारण है। लेट्स सी आपको माँ क्या मैसेज देना चाहती है। ओके, इन माता का आप जाप कीजिए, ओके, मेडिटेट कीजिए इनके नेम पर, एंड लेट्स सी कि वो आपको क्या बताना चाहती है। लिसन, ओके, मैंने कहा यहाँ पर कि माँ आपको क्या बताना चाहती है, और यहाँ पर लिसन का कार्ड आया है। तो लिसन के कार्ड से डेफिनेटली मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, जैसे माता जो है ना आपको कुछ बता रही है ऑलरेडी, और जैसे कि वो आपको बोल रही है कि जो गाइडेंस हम आपको भेज रहे हैं, जो मैसेजेस, जो चीज़ें आपके आसपास घटित हो रही है, जिन चीज़ों को आप देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, उन चीज़ों पर विश्वास करने को, उन चीज़ों पर गौर करने को, उसको सुनने को, जैसे यहाँ पर एक मैसेज मैं माता से आप लोगों के लिए चैनल कर पा रही हूँ। ओके,
डेफिनेटली इस कार्ड के अंदर एक फ्रेश नई शुरुआत की भी एनर्जी है, बहुत ही वाइट लाइट, एक कॉस्मिक एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, एक प्योरिटी। एंड ये बिल्कुल ही माता शैलपुत्री से कनेक्टेड है, क्योंकि माँ ने एक नए सिरे से स्टार्ट किया था, एक नया जन्म उन्होंने लिया था। और आपके लिए भी मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके भीतर एक क्लीन स्लेट जो है आपको दी गई है, एंड आपको यहाँ पर अपनी सोल विजडम को अनलॉक करना है। एंड यहाँ पर ये होगा कैसे? बाय लिसनिंग, बाय ऑब्जर्विंग, ओके, द साइंस ऑफ द यूनिवर्स। तो डेफिनेटली इस ग्रुप के लिए मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स जो है दिखाई दे सकते हैं, बटरफ्लाइज, डव्स, ओके, कुछ रिपीटिंग वर्ड्स, या आप कुछ आप देखेंगे कि आपको ऐसा फील होगा कि एक मुझसे यूनिवर्स बात कर रही है, मुझे बार बार कुछ दिखा रही है, मेरे साथ कोई कोइंसिडेंसेस या सिंक्रोनिसिटीज हो रहे हैं जो अननोटिसेबल नहीं रहेंगे, ओके। एंड आपको ड्रीम्स आना, आपको विजन्स आना, आपको साइंस आना, इस तरीके की चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो इन सब में आपके लिए एक मैसेज, एक रहस्य छुपा हुआ है, ओके, लेट्स सी। ओके, सो वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स and we have Knight of Swords, all right? दोबारा मुझे बहुत ज्यादा व्हाइट कलर की बर्ड्स दिखाई दे रही है, और किसी ने यहाँ पर जिसे अपनी स्वॉर्ड को ही नीचे रख दिया है, राइट? एंड यहाँ पर जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है उन्होंने भी अपनी स्वॉर्ड नहीं उठाई हुई है, एंड यहाँ पर जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है उन्होंने भी स्वॉर्ड नहीं उठाई हुई है, स्वॉर्ड नीचे रख दिया है, ओके? तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए मैसेज जो है इस चीज का दिखाया जा रहा है, दैट आपको ना अपने भीतर जाने की जरूरत है, क्योंकि वहीं से आपकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी है उस चीज की शुरुआत होगी। देयर इज समथिंग विद इन यू दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ये चीज बात कर या बोलने से नहीं, रादर सुनने से आपके सामने आएगी। तो डेफिनेटली मैं आपको अपने भीतर जाकर सुबह उठकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए देख रही हूँ, मेडिटेशन में अपने आप को इतना खाली करके यू नीड टू हियर द मैसेज, रिसीविंग आपके यहाँ से होगी। तो आपको यहाँ पर बात करने को, कम्युनिकेट करने को, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आपको अपने भीतर जाके अपने आपको शांत करने को बोला जा रहा है। एंड इस तरीके से आप बाहर निकलोगे, इस तरीके से वो चीजें बाहर निकलेंगी, दैट आप अपने आप को तो ढूंढोगे, आपकी अपनी एनर्जी को तो आप अनलॉक करोगे ही, इसके साथ साथ आपके आसपास के लोगों का, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का आप उद्धार करोगे इस चीज के द्वारा, अपने द्वारा, अपनी विजडम के द्वारा, ओके? आपके लिए ये मैसेज दिखाई दे रहा है, ऑलराइट? आपको अपनी थर्ड आई से वर्क करने को बोला जा रहा है, अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी गट फीलिंग की सुनो, अपनी फिजिकल आईज पे सारा टाइम नहीं ट्रस्ट करना है, यानी कि जो सामने दिखाई दे रहा है क्या यही सच्चाई है, या देयर समथिंग बियॉन्ड, या आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही, तो आपको सुनना है कि आपको ना ज्यादा इन्फॉर्मेशन अपनी थर्ड आई से मिलेगी, अपनी अंदर आत्मा से मिलेगी, रादर देन जो फिजिकली आपके सामने घटित हो रहा है, क्योंकि वो तो परिवर्तन हो जाएगा, उस वो सिचुएशन तो चेंज हो जाएगी, बट अंदर की बात सुनने की जरूरत है। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, एक बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक बिल्कुल नई शुरुआत। एंड यहां पर मैं बटरफ्लाई देख पा रही हूं, राइट? यहां पर मैं एक पर्ल को जैसे देख पा रही हूँ, तो जैसे माता आपको बताना चाहती है कि आपकी एक बहुत ही यूनिक एनर्जी है, बहुत ही प्योर एनर्जी है, यू लाइक अ पर्ल। जैसे एक पर्ल होता है वो कितना रेयर होता है, ओशन के अंदर जो पाया जाता है, राइट? आप एक इस तरीके के पर्ल हो यूनिवर्स की नजरों में, इस तरीके के आप स्टार हो यूनिवर्स की नजरों में, और आपको बहुत ही संभाल के, प्रोटेक्ट करके ये यूनिवर्स ने रखा हुआ है, ओके? एंड आपके अंदर से ही जैसे बहुत ज्यादा स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स और गॉड्स आपको मैसेजेस दे देकर आपके भीतर से ही उस चीज को एक्टिवेट करेंगे, लेकर आएंगे, एंड यू आर हाईली प्रोटेक्टेड एज वेल, राइट? आपके साथ आपके गार्डियन एंजल, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके कोई एक ईष्ट आपके साथ है और आपकी रक्षा करते हैं, आपकी मदद करते हैं, और आपकी जिंदगी का उद्धार जो है इन्हीं के द्वारा होगा,
राइट ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आपका जो ग्रुप है ना, आप लोग अपने पास्ट से बहुत कनेक्टेड होगे, अपने पास्ट लाइफ से, राइट एंड आपको कुछ ऐसी चीजें फील होती होंगी, दिखाई देती होंगी, स्पेशली नाइट स्काई में, स्पेशली फुल मून पे, स्पेशली जब सेलेस्टियल टाइम भी ऐसा चल रहा है, तो आप कुछ अलग ही एनर्जी को महसूस करोगे, अलग ही तरीके की ऊर्जा का आभास करोगे अपने अंदर। एंड समटाइम्स यू विल फेल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, राइट लेकिन यही आपको बताया जा रहा है दैट आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं, राइट एंड जो आप यहाँ पर आए हैं, आपके द्वारा एक बड़ा उद्देश्य या फिर एक बड़ा काम आप लेकर आए हैं, एंड इसको इस चीज तक पहुँचने के लिए आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी। आपको यू कैन बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यू आर मेंट टू बी अ स्टार, यू आर मेंट टू रियलाइज कि आप वो पर्ल हैं, आपके अंदर वो प्योरिटी है, राइट लेकिन डेफिनेटली एक परिवर्तन के द्वारा, राइट और ये परिवर्तन मैं भीतर अपने अंदर का देख पा रही हूँ, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन एंड पास्ट से ये कनेक्टेड है। सो आपके लिए अपना PLR करवाना, यू नो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना, रीडिंग या अपने पास्ट में डिग करना, मेडिटेशन करना, यू नो वहां से कड़ियों को जोड़ना, आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्टेड रहना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज वहां से जो इन्फॉर्मेशन आप चैनल करेंगे, आप लेकर आएंगे, वो आपको इस लाइफ में प्रोग्रेस करने में काफी मदद करेगी। दिस इज वॉट माता वॉन्ट्स टू कन्वे टू यू, ओके। एंड अगर आपको कभी भी एक वाइट बर्ड दिखे ना, और आपको एकदम से बहुत डिवाइन, बहुत प्योर ऐसा फील हो, या मैं बटरफ्लाई भी देख पा रही हूँ, सो किसी गॉड गॉडेस, किसी हाई स्पिरिचुअल एनर्जी आपके आसपास जो है वो आई है आपको विजिट करने, ओके okay? क्योंकि आपको विजिटेशंस भी होते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है, सो जस्ट नो दैट दिस इज द केस फॉर यू, ओके यस। देख लेती हूँ अगर कुछ और आपके लिए मैसेज है। पॉसिबिलिटीज, मैं क्या बता रही थी, आपके सारे कार्ड्स में मुझे बहुत ही फ्लाइटी एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके लाइक कोई अपनी पावर को रिक्लेम कर रहा है, अपने ऊपर नियंत्रण कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इज गोइंग अबव ऑब्स्टिकल्स, इज एक्सप्लोरिंग कि उसकी जिंदगी में क्या कुछ पॉसिबल है, यू नो इट्स लाइक इस कार्ड से भी मुझे जैसे फील हो रहा है कि माता शैलपुत्री जैसे रियलाइज कर रही है यहाँ पर दैट यू नो वो ही पार्वती है, राइट वो ही सती है, उनका जन्म क्यों हुआ है, उनके जन्म का उद्देश्य क्या है, यू नो क्या पर्पस है, वो समझ रही है, लेकिन वो अपनी अपनी इंट्यूशन की सुनकर इस चीज को समझ रही है। कुछ इस तरीके की स्टोरी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है जो आपको भगवान अनलॉक करने को बोल रहे हैं अपनी शक्तियों द्वारा, ओके सो यस दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर वन। आज की रीडिंग आपको कैसी लगे जरूर बताना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी सीइंग यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। हो जाइए साक्षी माता के 9 रूपों की शक्तियों के, जिसको चैनल किया गया है इस अद्भुत और शक्तिशाली ब्रेसलेट में। इस ब्रेसलेट को पहनने से आपकी शक्तियां जागृत होंगी, आप अपने आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाइयों तक जाने में सक्षम होंगे। ये ब्रेसलेट को पहनने से आपको सहायता मिलेगी अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने की, और एक नई उज्जवल, शीतल और प्रभावशाली ऊर्जा को अपने भीतर आभास करने की। हर एक ब्रेसलेट सिमरन कुमार माथुर द्वारा चार्ज, एक्टिवेट और तैयार किया जाता है। इसमें आपके नाम से पूजा करी जाती है और फिर आपको ये भेजा जाता है। आज ही ऑर्डर कीजिए काली रंग पर। नंबर 2, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने आज की इस रीडिंग को माँ ब्रह्मचारिणी की एनर्जी से चूज किया, पिक किया, सो दिस इज योर रीडिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फाइंड आउट कि माँ आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहती है। सो माँ का जो ये स्वरूप है ना, इट्स लाइक अ फीमेल एस्थेटिक फॉर्म ऑफ माँ, जहाँ पर माता इस रूप के अंदर शिव जी की आराधना करती है, उनकी उनके लिए तपस्या करती है, उनको पाने के लिए,
राइट एंड बहुत सारे हजारों वर्ष जो है यू नो यहाँ पर बीत जाते हैं एंड वो प्रे करती है एंड बहुत ही कठोर एक तपस्या माता जो है यहाँ पर करती है शिव जी के लिए एंड इस तपस्या के टाइम उनको जो है वरदान भी मिलता है दैट उनकी शादी शिव जी से ही होगी. ओके तो ये मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली एक कनेक्ट में देख पा रही हूँ. ओके एज आई वाज शफलिंग द कार्ड्स फॉर यू यहाँ पर ये कार्ड गिरा है तो माता ने स्वयं आपके लिए जो है यहाँ पर कार्ड दिया है एंड आपको बोला जा रहा है दैट यू आर नॉट अलोन. राइट तो जब एक ब्रह्मचारिणी की लाइफ को हम देख रहे हैं माता की लाइफ को हम देख रहे हैं एज अ ब्रह्मचारिणी तो माता अपनी शक्तियों को एक्सप्लोर कर रही है. राइट माता तपस्या कर रही है माता यहाँ पर उस चीज को पाने की कोशिश कर रही है जो वो करना चाहती है. तो ये एक लक्ष्य के टूवर्ड्स है एक बहुत ही गोल ओरिएंटेड एनर्जी जो है उसका यहाँ पर यू नो ये चीज़ दिखाई जा रही है एंड आपकी लाइफ के अंदर भी अगर आप डेफिनेटली इस यू नो एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं माता से कनेक्ट हुए हैं तो आपका कोई गहरा यू नो मैसेज यहाँ से आपको मिलना ज़रूरी है. आप भी किसी गोल किसी लक्ष्य के टूवर्ड्स यू नो बढ़ रहे होंगे एंड यू नो यू आर ट्राइंग टू पुट इन दी एफर्ट. मैं आपकी तरफ से भी एफर्ट जरूर देख रही हूँ इस चीज़ के अंदर लेकिन आपका जो गोल है अभी यू नो वो कम्प्लीटली रीच नहीं है. ये इस तरीके की चीज़ है जिसके लाइन में जिसके प्रोग्रेस में जिसकी जर्नी में आप हो. ओके एंड ये आपसे काफ़ी जो है यू नो इट्स आस्किंग फॉर अ लॉट ऑफ सैक्रीफाइस फ्रॉम यू. इट्स आस्किंग फॉर यू टू पुश योर सेल्फ टू योर फुल पोटेंशियल. ओके एक ऐसी हाइट्स पे जो आप ही नहीं सोच सकते थे कि हाँ हमें इतनी क्षमता है हमें इतनी चीज़ें पॉसिबिलिटीज है कि हम ये सब कर सकें लेकिन डेफिनेटली यस आपका लक्ष्य एक इस चीज़ के टूवर्ड्स दिखाई दे रहा है. कैसा दिखाई दे रहा है कि आपको ये करना पड़े उसको अचीव करने को. राइट अपनी वर्दीनेस को समझ कर उस चीज़ पर एक्ट करना पड़े. राइट एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है दैट इवन दो आपको फील होए जिंदगी के अंदर लाइक आप अकेले हैं आप जो अचीव करना चाह रहे हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट है बहुत ही यू नो एक ड्रीमी सी चीज़ है. ओके लेकिन आपके साथ यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज यूनिवर्स की सपोर्ट में वर्क कर रही है. राइट इस कार्ड को गौर से देखिए यू नो यहाँ पर ये जो गर्ल है इनके पीछे देखिए यू नो हम क्लोक्स पहने हुए बहुत सारे बीइंग्स को इनकी बैक में खड़ा हुआ देख रहे हैं. सो यहाँ पर जैसे यूनिवर्स इज बैकिंग यू गॉड्स आर बैकिंग यू तो आपको बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपको अकेले कभी भी फील नहीं करना है बिकॉज अकेले आप बिल्कुल भी नहीं है एंड वॉट एवर जो भी आप यहाँ अचीव करना चाह रहे हो इट इज पॉसिबल टू अचीव. राइट यू हैव द डिवाइन सपोर्ट तो आपको यहाँ वर्क कैसे करना है आपको माता बोल रही है जस्ट वर्क विद गॉड. राइट वर्क विद स्पिरिट क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी जो है उन्होंने अपनी मेहनत करी उन्होंने अपना एफर्ट डाला शिव को पाने के लिए. राइट लेकिन यहाँ पर सभी देव देवी और देवताओं ने आकर उनके यू नो उनको जल यू नो पिला देते थे उनको उनको बेलपत्र खिला देते थे. राइट उनको उनके मतलब ताकि माता रहे ठीक रहे माता ताकि अपनी तपस्या खत्म कर पाए और फिर उनको जो है ये वरदान मिलता है कि नहीं उनकी शादी शिव जी से होगी. राइट तो यहाँ पर सेलेस्टियल बीइंग्स ने भी मदद करी एंड अगर आप इस ग्रुप से कनेक्टेड हो तो आपकी भी मदद यहाँ पर सेलेस्टियल बीइंग्स आके डेफिनेटली करेंगे अगर वो देखते कि आप भी उस लेवल का एफर्ट डाल रहे हो तो. ओके यस हम एट ऑफ कप्स को नाइन ऑफ कप्स में बढ़ते हुए देख रहे हैं विच इज एन एक्सेलेंट कार्ड टू हैव योर. राइट क्योंकि यहाँ पर यू नो एट ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो हम देखते हैं दैट समबडी इज वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग. राइट तो यहाँ पर आपकी जिंदगी में मुझे फेल्ड अटेम्प्ट नजर आ रहे हैं या आपने कुछ बहुत अपना एफर्ट डाला कोशिश करी लेकिन आपके लिए वो काम जो है पूरा नहीं हुआ लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़ते रहो अपने पाथ पर क्योंकि आपका ड्रीम अचीवेबल है बिकॉज यहाँ नाइन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है. नाइन ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट को दिखाता है. राइट तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है येस योर गोल इज अचीवेबल इट इज पॉसिबल एंड उस एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए आप मुझे अपनी मेहनत से एंड यहाँ पर यूनिवर्स से जुड़ के भगवान से जुड़ के आप मुझे डेफिनेटली नजर आ रहे हो. राइट
So yes, the journey can feel lonely. It can feel long. आपको लग सकता है कि आप सोलो जर्नी पे हो. मुश्किल है, लेकिन आपको भगवान जैसे यहाँ पर बताना चाहते हैं कि पहली चीज याद रखो, यू आर नॉट अलोन. एंड दूसरी चीज, इट इज अचीवेबल. आपका गोल अचीवेबल है. ओके, यस. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एक डेडिकेटेड फीमेल डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है. एंड बॉटम ऑफ द डेक भी एट ऑफ कप्स है. एट ऑफ कप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, राइट. इट्स समबडी जो अपने पोटेंशियल के टुवर्ड्स, इस कार्ड में भी देख लीजिए, और जो मैं आपको बता रही थी वो कुछ अलग नहीं है, कि कोई अपने लक्ष्य के टुवर्ड्स बढ़ रहा है. एंड जितनी भी खराब परिस्थिति है, उन सब के ऊपर उठ के उसको वो चीज जो है हासिल होगी लाइफ के अंदर. तो आपको बोला जा रहा है कि इस लेवल का डेडिकेटेड एफर्ट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू टू बी अचीविंग योर गोल. बट कैन यू अचीव इट? यस, डेफिनेटली यस. यहाँ पर माता आपको ये कन्फर्मेशन देना चाहती है. आपको आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है, राइट. आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी रखना, मेंटल क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है. स्पिरिट से कनेक्शन रखना बहुत जरूरी है. एंड एक परिवर्तन भी, कॉन्स्टेंट चेंज भी मैं आपके अंदर देख रही हूँ. दैट अडेप्ट करना बहुत जरूरी है. इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग, अडेप्टिंग टू समथिंग न्यू, समथिंग एल्स. ओके, चेंजिंग योर एनर्जी, मैनिफेस्टिंग, अपने थॉट्स, अपने बिलीफ सिस्टम को ऐसे रखना कि आप एक मैग्नेट बन जाओ एंड अपनी परिस्थितियों को कन्वर्ट कर पाओ. एंड डेफिनेटली एक और चीज मैं आपके लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ, राइट. दैट यहाँ पर जो भी आप चाह रहे हो ना, उस चीज का उच्चारण करो. मतलब मंत्र चैंटिंग करो, एफर्मेशंस लो, विजुअलाइजेशन बोर्ड बनाओ, मैनिफेस्ट करो. एंड उस एनर्जी पे फोकस मत करो जो आपके पास अभी नहीं है, लेकिन उस चीज पर अपना सारा फोकस डालना शुरू करो जो चीज आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो. इस एनर्जी शिफ्ट के अंदर ही वो राज, वो एक ब्रिज छुपा हुआ है टूवर्ड्स चेंजिंग योर लाइफ. बिकॉज जब आप ये एनर्जी अंदर की टूवर्ड्स चेंज करोगे, तभी वो बाहर की तरफ चेंज होगी. एज सिंपल एज, जब माता ने बैठकर तपस्या करी, तो वो ये नहीं सोच रही थी सारा टाइम कि मेरे पास अभी शिवजी नहीं है, शिवजी से मेरी शादी नहीं हो रखी, अरे कितने वर्ष हो गए, मैं कितनी एफर्ट डाल रही हूँ, बट वो नहीं. वो इतनी डेडिकेटेड थी कि यहां तक कि जब भगवानों ने उनको आकर बोला कि आप जो है आप घर लौट जाइए, राइट, ये वरदान हम आपको देते कि शिवजी आपसे शादी करेंगे, तो माता कहती है नहीं, मैं यहीं रहूंगी और मैं तब तक नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक शिवजी मुझे दर्शन नहीं देंगे. सो इस चीज से हमें क्या सीखना है, राइट? डेडिकेशन, डेडिकेटेड एफर्ट्स, राइट. जो सोच लिया वो करना है किसी भी तरीके से, और अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो नया तरीका ढूंढना है. ये नहीं गोल चेंज कर रहे हो या ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है. नहीं, उसको कैसे भी करने का वो डेडिकेटेड एफर्ट आप लगा रहे हो एंड वो चीज आपके लिए पूरी हो रही है. वो यूनिवर्स आपके लिए आपके एफर्ट्स को देखकर आपके लिए पूरा करवा रही है. ओके, दैट इज समथिंग आई एम एबल टू सी फॉर यू. इवन बिफोर आई कुड पिक अ कार्ड, मास्टर कार्ड इज योर. एंड इस मास्टर कार्ड में आप देखिए, बहुत ही शीतलता है, एक फुल मून की एनर्जी है, राइट. एक साधु, एक गुरु एंड एक तपस्वी. मेरे लिए शिव का कार्ड भी है ये. ओके, सो डेफिनेटली जैसे यहाँ पर भगवान आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे, इस ग्रुप में तो स्वयं शिव शक्ति कवास में देख पा रही हूँ, राइट. सो कुछ लोगों के लिए ना ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक है, राइट. एंड आपको बोला जा रहा है कि शिवजी और पार्वती माता दोनों की साथ में शादी, आप जो है, मैं बोल रही थी पूजा करो या मेरे मुंह से निकला शादी करो. ओके, कुछ लोग, मतलब इस ग्रुप में मेजॉरिटी अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढा जा रहा है, अपने सोल मेट को मैनिफेस्ट किया जा रहा है, अपनी शादी के लिए जो है एक एक उस गोल के प्रति बढ़ा जा रहा है, राइट. मेजॉरिटी बहुत लोगों के लिए मैं ये चीज देख पा रही हूँ. बट यस, ये मैसेज जो है आपका किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, बट आपको बोला जा रहा है शिव जी एंड पार्वती माता की दोनों की साथ में यहाँ पर आप जो है पूजा आराधना कीजिए, राइट. ये आपकी लाइफ को कंप्लीट बनाएगा, होल बनाएगा, और उन दोनों की क्वालिटीज आप में रिक्वायर्ड है
आगे बढ़ने को अपनी जर्नी के अंदर, राइट? एंड अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको इस लाइफ के अंदर, अभी इस सिचुएशन के अंदर कोई गुरु, राइट, कोई सेलेस्टियल एंजल, कोई बीइंग आपको उसके टुवर्ड्स भी डायरेक्ट करवाया जाएगा जो आपकी बहुत ज्यादा मदद फिजिकल वर्ल्ड में भी कर सकते हैं, राइट? तो आपकी मांगने की देर है एंड वो आपके सामने होंगे. ऑलराइट, सो दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2. आज की रीडिंग आपको कैसी लगे मुझे जरूर बताना. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी सीइंग यू वेरी सून एट योर नेक्स्ट रीडिंग. हो जाइए साक्षी माता के 9 रूपों की शक्तियों के, जिसको चैनल किया गया है इस अद्भुत और शक्तिशाली ब्रेसलेट में. इस ब्रेसलेट को पहनने से आपकी शक्तियां जागृत होंगी. आप अपने आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाइयों तक जाने में सक्षम होंगे. ये ब्रेसलेट को पहनने से आपको सहायता मिलेगी अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने की और एक नई उज्जवल, शीतल और प्रभावशाली ऊर्जा को अपने भीतर आभास करने की. हर एक ब्रेसलेट सिमरन कुमार माथुर द्वारा चार्ज, एक्टिवेट और तैयार किया जाता है. इसमें आपके नाम से पूजा करी जाती है और फिर आपको ये भेजा जाता है. आज ही ऑर्डर कीजिए काली रंग पर. Three, hello and welcome to your reading. अगर आपने आज की इस रीडिंग को माँ चंद्र घंटा की एनर्जी से चूज किया है तो दिस इज योर रीडिंग. लेट्स फाइंड आउट कि माँ आपको क्या बताना चाहती है. सो माँ चंद्र घंटा की जो एनर्जी है, इन माता की पूजा हम नवरात्रों के 3rd डे पे करते हैं, राइट? एंड माता की तीसरी आंख जो है, जो तीसरा नेत्र है, वो हमेशा खुला रहता है. एंड माता जो है वो हमेशा ही एक वॉर के लिए रेडी रहती है, राइट? सो इट्स अ वेरी वेल प्रिपेयर्ड एनर्जी. एक माता की बहुत ही संपूर्ण एनर्जी इस रूप के अंदर देखने को मिलती है. एंड माता के 10 हाथ हैं एंड सभी हाथों के अंदर इनके अस्त्र है, शस्त्र है एंड अभय मुद्रा भी है. जो अभय मुद्रा है दैट वो आपकी जिंदगी से फियर को जो है हटाता है, राइट? एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स इस माताओं के पास जो है होती है, राइट? सो चंद्र घंटा का जो नाम है माता का, वो इसलिए पड़ा क्योंकि माता के शीश पर, उनके सर पर जो है मून, हाफ क्रिसेंट, जैसे क्रिसेंट मून होता है, वो प्रेजेंट होता है एंड एक घंटे की शेप में, एक बेल की शेप में वो होता है, राइट? सो माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा यहाँ पर, राइट? सो माता जो है, इस माता से कनेक्ट करना ही एक बड़ी भरपूर सी एनर्जी है, एक संपूर्ण सी एनर्जी है. दैट यू नो, ये माता जो है फियरलेस भी है, ये माता जो है वॉर के लिए भी रेडी है, बट इनकी इंट्यूशंस भी एक्टिव है, इनकी डेडिकेशन भी है. ये ब्लेस भी कर सकती है और ये यू नो एक नेगेटिविटी के अगेंस्ट खड़ी भी हो सकती है, राइट? दैट इज द इमेज, राइट? दैट इज द एनर्जी. अब देखेंगे कि माता आपको क्या मैसेज देना चाहती है. जो भी लोग 3rd ग्रुप से कनेक्ट हुए हैं, राइट, माता चंद्र घंटा से कनेक्ट हुए हैं, आप लोगों के लिए क्या मैसेज है? ग्रैटिट्यूड. ओके, एंड बाउंड्रीज. मैं एक और कार्ड लेना चाहूंगी आप लोगों के लिए. दो कार्ड्स आप लोगों के लिए आए. ओके, ये पहली बार है, मतलब अभी की सारी रीडिंग्स में जो ऐसा हुआ है. सो वी हैव द एम्परर एंड वी हैव द हायरोफेंट. ओके, बोथ आर वेरी पावरफुल कार्ड्स, बहुत ज्यादा पावरफुल कार्ड्स है. एंड वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. हम्म,
आपके लिए ना मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ यहाँ पर दैट माता आपको ना कुछ एक साइकिल के बारे में यहाँ पर अवेयर करना चाह रही है, आपको बताना चाह रही है, राइट? बिकॉज यहाँ पर आप जो है ना किसी तरीके के मीडियम हो, राइट? क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ध्यान से दिखाती हूँ व्हाट इज इट. आप इस कार्ड को देखिए, राइट? यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं देयर इज अ लेडी एंड ये जो खड़ी हुई है इनकी लेफ्ट साइड एक बिल्कुल ही अलग एनर्जी की है एंड एक इनकी राइट साइड बिल्कुल ही अलग एनर्जी की है. एंड इसमें तो स्पेशली मैं माँ पार्वती यू नो एंड यहाँ पर माँ काली की एनर्जी फील कर पा रही हूँ. और एक बाउंड्री का कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है कि ये दोनों ही शक्तियाँ आपके अंदर है, राइट? एंड जैसे यहाँ पर चूज करने की जरूरत है बिकॉज इस कार्ड को भी देखिए, राइट? हम माउंटेन देख पा रहे हैं, दो माउंटेन्स, दो बहुत ही हाइट्स एंड यहाँ पर लोग खड़े हुए दोनों साइड पर एंड यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है, राइट? तो दूसरी बार जाया जाए कैसे? एंड यहाँ पर बीच में जो है वो एक कड़ी, एक यू नो एक मीडियम दिखाई दे रहा है एंड इस कार्ड में वो भी मीडियम प्रेजेंट है, राइट? तो यहाँ पर जैसे माता आपको अवेयर करवाना चाहती है आपकी खुद की एबिलिटी की, राइट? आपको यहाँ पर बताना चाहती आप लोगों को बताना चाह रही है दैट आप कितने शक्तिशाली खुद हो. यू आर दैट मीडियम, ओके? आप वो कड़ी है, आप वो मीडियम है जो दो शक्तियों को जोड़ सकते हो, जो सुलह करा सकते हो, राइट? जो दो डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स के बीच में रहते हुए यू नो उन दोनों को एक म्यूचुअल एनर्जी पर लेकर आ सकते हो. इस तरीके की शक्ति आपके अंदर है, राइट? नॉट जस्ट दैट, आपके खुद के अंदर अपने आप को परिवर्तन करने की एनर्जी है. बट आपको बोला जा रहा है कि कहाँ क्या यूज करना है, उस चीज को जानना और उस चीज को अप्लाई करना भी बहुत जरूरी है. यानी कि माँ काली जो है वो माता का एक बहुत ही यू नो रौद्र रूप है जहाँ पर माता बहुत ही गुस्से में है. बट वो चैनल कहाँ पर कर रही है? टूवर्ड्स द डीमंस, राइट? अगर यही माता एक दूसरी जगह पर करे उस चीज को, राइट? सो देन व्हाट विल हैपन, राइट? एंड अगर डीमंस के सामने माता काली ना बन के माता पार्वती ही रहती है देन व्हाट विल हैपन, समझ रहे हो? तो यहाँ पर जैसे आपको ना बोला जा रहा है कि आपके द सिचुएशंस इन योर लाइफ, जो आपकी परिस्थिति है, इट विल रिक्वायर यू टू चेंज, राइट? आपको एक परिवर्तन कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड रहेगा आपकी एनर्जी के अंदर कि यहाँ पर मुझे ऐसे रहना है, वहां पर मुझे ऐसे रहना है, यहाँ मुझे अपनी बोल्ड साइड आगे करनी है, यहाँ मुझे अपनी चाइल्ड साइड आगे करनी है. और इस चीज को समझना आपके लिए बहुत बड़ी सुपर पावर जो है रहेगी. तो आपको बोला जा रहा है कि इस चीज पे वर्क कीजिए. कहाँ आपको अपनी पावर को दिखाना है, कहाँ एक्सरसाइज करना है, कहाँ आपको अपनी ह्यूमिलिटी को आगे करना है, अपनी प्योरिटी को आगे करना है, कहाँ स्टैंड लेना है, कहाँ झुक जाना है, ओके? इस तरीके का एक मुझे परिवर्तन आपके लिए दिखाई दे रहा है, राइट? एंड आपकी जिंदगी के अंदर साइकिल्स जो है बहुत ज्यादा आएंगे, परिवर्तन बहुत ज्यादा आएंगे, राइट? एंड जब भी आपको लाइफ में रास्ता ना दिखे ना, सो ये समझ लेना कि आप खुद ही वो रास्ता हो, आप खुद ही वो लाइट हो. अगर आपको बहुत अंधेरा दिखाई दे रहा है तो जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप खुद ही वो लाइट हो. आप तो लाइट दिखा सकते हो दूसरे लोगों को, तो आपको लाइट ढूंढनी नहीं, आपको लाइट बनना है, ओके? ये चीज मैं आपके लिए देख पा रही हूँ. आपके लिए ना रोज थैंक यू बोलना भगवान को, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा रहेगा, राइट? एंड यहाँ पर ना आपको समझ नहीं आता होगा कि किसको मुझे हाँ बोलना है, किसको ना, कहाँ पर हेल्प करनी है, कहाँ पर नहीं करनी. वो बाउंड्री आपकी काफी जो है वीक है, तो आपको बोला जा रहा है अपनी बाउंड्री को स्ट्रांग करो, राइट? अपनी बाउंड्री को स्ट्रांग करो. कहाँ पर क्या देना है, क्या बोलना है, क्या करना है, राइट? कौन मुझसे ज्यादा ले रहा है, कौन मुझसे कम, मतलब उन चीजों को समझते हो. आपको अपनी बाउंड्रीज बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश करनी है, बहुत स्ट्रांगली. फाइव ऑफ कप्स, यहाँ पे देखो मैं ब्रिज की बात कर रही थी. आपको दिखेगा कि एक रेनबो जैसा एक ब्रिज, एक बटरफ्लाई जैसा एक ब्रिज जो एक ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शा रहा है. एंड ध्यान से देखिए कि एक दो एनर्जीज के अंदर जो है एनर्जी ट्रांसफर दिखाई दे रहा है. दो कप स्टैंडिंग है, तीन कप्स गिर चुके हैं. दिस समथिंग दैट नीड्स टू बी रिलीज्ड हियर, ओके? एंड आपके लिए यस, ये स्विच करना बहुत जरूरी है, एनर्जी को स्विच करना टाइम टू टाइम, ओके? एक ही तरीके की एनर्जी, एक ही तरीके के एनवायरनमेंट में नहीं रहना. ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगा, मोनोटोनस बनाएगा, ओके? ये आपके लिए जरूरी है. एंड जब बहुत ज्यादा लाइफ सीरियस हो रही है
तो एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में जाना, यू नो, एक सीरियसनेस को खत्म करके आप में वो स्विच है, आप में वो पावर है, आपकी रीडिंग में मुझे वो परिवर्तन होने की, यू नो, वो एबिलिटी दिखाई दे रही है. एंड जब बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि नहीं, सब कुछ, यू नो, कुछ सीरियस नहीं है, या मैं गोल से हट रहा हूँ, या मुझे यहाँ पर, यू नो, एक मैं एक चाइल्ड जैसे ही बिहेव कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको दोबारा अपनी पावर रिक्लेम करनी है. माता आपको ये बताना चाह रही है. ओके, शेयरिंग. बिल्कुल माता का वो जो रूप मैं आपको डिस्क्राइब कर रही थी वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, राइट. एक बहुत ही खूबसूरत फीमेल फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर, ओके, जो बिल्कुल शेयर करने को रेडी है, जिसके पास अपने पास इतना कुछ है, इतना यू नो, भरपूर अपने पास सब कुछ है कि वो दूसरे लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, राइट. ये मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ. सो डेफिनेटली जैसे माता आपको ये चीज के बारे में बताना चाह रही है, आपको इस एनर्जी में वो कन्वर्ट करना चाह रही है, एंड आपको बताना चाह रही है दैट यू कैन बिकम दिस अबंडेंट एनर्जी, राइट. बट ये परिवर्तन करना आपके लिए बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर. जस्ट लाइक माता के अंदर वो एबिलिटी थी कि माता, यू नो, माता पार्वती खुद अपने रूप में, अपने स्वरूप में है, बट जब रिक्वायर्ड है, व्हेन नीड बी इट, तो माता काली भी बन रही है, और वो माता काली से वापस माता पार्वती भी बन रही है, राइट. तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए भी दिखाई दे रही है. बट डेफिनेटली इस ग्रुप के लिए मुझे आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस, चीज़ें बढ़ते हुए, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स आते हुए, मिलते हुए मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है. ओके, एंड यस, आपके पास जो भी कुछ ऑलरेडी है ना, उसको एक्सपैंड करने को और ज़्यादा बढ़ाने को आपको रोज ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहने को बोला जा रहा है, प्रे करने को बोला जा रहा है, एंड अपने फॉर्च्यून्स को शेयर कीजिए. आपके पास जो भी कुछ है, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो विजडम है, यू नो, चाहे वो मनी है, चाहे वो एक्स्ट्रा क्लोथ्स है, एक्स्ट्रा खाना है, व्हाटएवर, उसको आप टाइम टू टाइम शेयर कीजिए. ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस, परिवर्तन एंड ब्लेसिंग्स लेकर आएगा, राइट. सो दैट वॉज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 3. आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना. टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई बी सीइंग यू वेरी सून एट योर नेक्स्ट रीडिंग. हो जाइए साक्षी माता के 9 रूपों की शक्तियों के, जिसको चैनल किया गया है इस अद्भुत और शक्तिशाली ब्रेसलेट में. इस ब्रेसलेट को पहनने से आपकी शक्तियां जागृत होंगी, आप अपने आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाइयों तक जाने में सक्षम होंगे. ये ब्रेसलेट को पहनने से आपको सहायता मिलेगी अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने की, और एक नई उज्ज्वल, शीतल और प्रभावशाली ऊर्जा को अपने भीतर आभास करने की. हर एक ब्रेसलेट सिमरन कुमार माथुर द्वारा चार्ज, एक्टिवेट और तैयार किया जाता है. इसमें आपके नाम से पूजा करी जाती है और फिर आपको ये भेजा जाता है. आज ही ऑर्डर कीजिए काली रंग पर. ग्रुप नंबर 4, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने आज की इस रीडिंग को माँ कुष्मंडा की एनर्जी से चूज किया है, तो ये आपकी रीडिंग है, एंड देख लेते हैं माता आपको क्या बताना चाहती है. तो सबसे पहले माता का जो ये रूप है, जो स्वरूप है, ये देवी का 4th फॉर्म है, एंड इनको नवरात्रों के 4th डे पे इनकी पूजा की जाती है. सो यहाँ पर कू का मीनिंग है अ लिटिल, एंड उष्मा का मीनिंग है यहाँ पर एक वार्म्थ, ओके, एंड अंडा का मीनिंग एक कॉस्मिक एग, ओके. सो ये जो माता है, इनको अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, एंड आदि शक्ति है ये माँ, ओके. सो ये ही माता है जिनकी कारण, यू नो, जो है ये सृष्टि में एनर्जी आई है, जान आई है, जिनकी जैसे रचना हुई है, ओके. सो इस माता को एक डिवाइन मदर, कॉस्मिक मदर के रूप में देखा जाता है, राइट. सो ये माता की एक सबसे संपूर्ण, यू नो, गॉर्जियस एनर्जी है माता की है. सो डेफिनेटली आप कनेक्ट हुए हैं, तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि माता आपको क्या बताना चाहती है. बट ये माता जो है, माता का ये रूप क्रिएशन का है, राइट, कुछ बर्डिंग का है, एंड इट्स एट अ वेरी कॉस्मिक लेवल, राइट.
यू आर नॉट अलोन. ओके चेंज चेंज. ओके तो ये कार्ड जो है यू आर नॉट अलोन, ये पहले भी एक ग्रुप में आ चुका है. एंड अगर आपने वो रीडिंग देखी है एंड आप दोबारा आपने इस ग्रुप को चूज किया है तो ये डबल मैसेज है आप लोगों के लिए, राइट? एक डबल कंफर्मेशन. एंड ऑफ कोर्स जो पहली बार इस रीडिंग को देख रहे हैं आप लोगों के लिए तो है ही. क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगी. Emperor and Hierophant, ये भी एक रिपीटिंग कार्ड है. कुछ लोग यहाँ पर उस रीडिंग को देखकर यहाँ पर प्रेजेंट है. आप लोग ऑलरेडी एक रीडिंग यहाँ पर देखकर आ रहे हैं. ओके सो दैट इज समथिंग दैट्स प्रेजेंट. ऐसा है तो बताना मुझे, ठीक है? कुछ लोगों के लिए रिपीटिंग मैसेजेस भी दिखाई दे रहे हैं. ओके यू हैव लवर्स एंड यू हैव चैरिट. एंड यहाँ पर हम एक बेबी को भी देख पा रहे हैं, राइट? एंड जैसे मैं आपको बता रही थी एक क्रिएशन का भी कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट? एक फैमिली वो भी दिखाई दे रही है. ओके ओके सो सबसे पहला मैसेज जो माता आपको यहाँ पर बताना चाहती है, राइट? माता वॉन्ट्स टू टेल यू कि आप अकेले बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप अपने आप को बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस में पाते हैं, स्पेशली इस ग्रुप के लिए ना एनर्जी और बहुत ज्यादा फियर्स है. क्योंकि ध्यान से आप इस कार्ड को देखिए, यहाँ पे जो लेडी खड़ी है ना वो खुद भी कितना जल चुकी है उस आग में. मुझे एकदम माता सती की एनर्जी चैनल हुई, राइट? तो उनकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ. सो माता सती जो थी ना, लाइक शिवजी की अर्धांगिनी, राइट? शिवजी से ऑलरेडी उनकी शादी हो चुकी थी. एंड उनके जो फादर होते हैं, राइट, राजा दक्ष, वो एक यज्ञ करते हैं जिसमें वो सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं लेकिन शिवजी को वहां पर नहीं बुलाते हैं, राइट? एंड माता पार्वती को, राइट, सती को वहां पर नहीं बुलाते हैं. तो माता सती कहती है कि नहीं, मुझे जाना है, मेरे फादर ने यज्ञ रखा है. वो शिवजी को बोलती है मुझे, हमें जाना चाहिए उस यज्ञ में. तो शिवजी उन्हें मना करते हैं कि नहीं, यू नो, जहां पर हमें नहीं बुलाया जा रहा है वहां हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसके जो रिजल्ट है वो काफी खराब हो सकते हैं. बट माता ने बोला कि अगर मेरे ही फादर है तो मुझे यू नो किसी की इन्विटेशन की क्या जरूरत, राइट? मुझे किसी के निमंत्रण की क्या जरूरत, तो मुझे जाना है. तो माता चली गई एंड शिवजी ने उन्हें जाने दिया. वो वहां जाती है तो वो देखती है दैट उनके जो फादर है वो यू नो वहां पर सब ही उपस्थित है. एंड वहां पर वो जो राजा दक्ष अपने फादर से जब बात करती है तो उनके हस्बैंड की यानी कि शिवजी की वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत अपशब्द बोलते हैं. एंड माता ये सह नहीं पाती है उनका अपमान, शिवजी का अपमान, राइट? एंड उनको इतना खराब लगता है एंड वो देखती है कि बिल्कुल भी मेरे हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं है. तो माता वहां पर जो यज्ञ हो रहा होता है उसी में कूद जाती है, राइट? एंड जल जाती है. इस कार्ड से मुझे एकदम वो एनर्जी फ्लैश हुई. ओके लाइक आपकी लाइफ के अंदर मुझे एक इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है जहाँ आप लोगों का अपमान हुआ हो, आपके नियर एंड डियर वंस का अपमान हुआ हो, आपको बहुत लोनलीनेस फील हुई हो, आपको बहुत ही ऐसी सिचुएशन में आपने अपने आप को पाया हो कि आपको लग रहा है कि मैं जल रही हूँ, मेरे लिटरली यू नो आई एम गेटिंग बर्न्ड, राइट? यहाँ पर भी एक सूर्य की जो ऊर्जा है ना, मतलब ये मुझे मेरे को हैप्पी फील कराने से पहले ना मुझे जैसे जलन जैसा फील करा रही है, राइट? तो आपसे भी लोग जलते हो, जेलस हो, इस ग्रुप पे ऐसे लोगों ने ज्वाइन किया हो जिस पे ऑलरेडी नेगेटिविटी, ईविल आए, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों का बहुत प्रभाव हो, आपकी पूरी फैमिली अफेक्टेड हो चीज़ों से, या मोर देन वन पर्सन के साथ जो है दिक्कत आ रही हो एंड आपको लग रहा हो कि बड़ी सारी यू नो मतलब भीड़ में भी, बहुत सारे लोगों के बीच भी मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आई एम नॉट एबल टू गो फॉरवर्ड, ये मुझे दिखाई दे रहा है, राइट? जैसे आप कुछ प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो बहुत ही फियर्सली, आप स्टैंड लेना चाह रहे हो, राइट? और लेते लेते आपको अकेला फील हो रहा है लेकिन आप इतनी ज्यादा आपकी यू नो वो स्ट्रांग विल्ड आप दिखाई दे रहे हो, इतने ज्यादा आप मुझे यू नो
यस, माता कुष्मांडा का ये ग्रुप है, लेकिन माता सती की एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर, राइट? तो आप अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, राइट? एंड वो मुझे आपके अंदर एक फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है. ओके, हो सकता है इस ग्रुप को बहुत सारे लियो, सैजिटेरियस, राइट, एरीज, इस तरीके की फायरी एनर्जीज ने ज्वाइन किया हो, राइट? एंड आपने अपनी जिंदगी में वॉल्केनिक इरप्शंस जैसी प्रॉब्लम्स देखी हो और आपने पाया हो दैट सबके होते हुए भी आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको स्टैंड लेना है, राइट? आप मेल है, फीमेल है, आई डोंट नो, बट आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट? आप पे यू आर लाइक लीडिंग इन सम वे. एंड जो लीडर होता है ना, उसको सबसे ज्यादा एक फियर, उसको सबसे ज्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि बाकी जो सब होते हैं ना वो फॉलो कर रहे होते हैं, राइट? एंड ऑफकोर्स वो लीडर इसलिए क्योंकि उसमें वो एबिलिटी है, वो रास्ता दिखाने की, वो विजडम, वो गाइड करने की, आगे बढ़ने की. लेकिन एट द सेम टाइम उसको जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो भी सबसे पहले वो ही डील करेगा उस चीज से, राइट? तो ये मैं आपके लिए देख पा रही हूँ. लेकिन यहाँ पर जैसे माता आपको स्वयं आके बताना चाह रही है, आप अकेले नहीं हो, परिस्थितियां जितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना, आपको ऐसा क्यों ना लग रहा हो कि जैसे आप जल रहे हो, लेकिन आपको जो शीतलता मिलेगी ना वो वहां से मिलेगी अपने नियर एंड डियर वंस से, अपने लव्ड वंस से, जिनके लिए आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो, जिनके लिए आप खड़े हो, जिनके साथ होने के लिए आप किसी भी लेंथ तक जा सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो, राइट? एंड आपको यहाँ पर मुझे हेल्प, सपोर्ट, हेल्पफुल पीपल जैसे यूनिवर्स भेजेगी वो दिखाई दे रहा है, बट आपकी जर्नी काफी डिफिकल्ट है. आई कैन रियली सी दैट. मुझे अभी नंबर 0808 दिखाई दिया. ओके, सो अगर आपको 888 या 806 रिलेटेड कोई कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं तो बहुत बड़ा एक मैसेज है कि आपका कर्मा बहुत हैवी है और इस लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हो, लेकिन उसको शून्य करने आए हो, उसको जीरो करने भी आए हो, राइट? एक बिल्कुल ही लाइफ का परिवर्तन, एक बिल्कुल ही चेंज, लेकिन इसके अंदर चलोगे तो सही, आप वो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बिल्कुल क्लियर स्लेट भी है. तो यस, हेल्पफुल पीपल विल बी सेंड टू यू इन योर लाइफ टू टेक यू फॉरवर्ड. आपकी सबसे क्लोज जो होंगे ना वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे. एंड स्पिरिट गाइड्स तो आपके साथ है ही, भगवान तो आपके साथ है ही, उस चीज को भी मैं आपको देख रही हूँ. एंड आपके अंदर एक अटूट शक्ति है, एक बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है. तो यहाँ पर हिम्मत कभी नहीं हारना है, बिकॉज आप जो है किसी भी परिस्थिति को ओवरकम करके एक लाइफ में सॉलिड फाउंडेशन को बिल्ड कर सकते हो. और आपकी इंस्पिरेशन रहेगी आपके लव्ड वंस, राइट? आपकी इंस्पिरेशन रहेगी आपका अपमान, आपकी इंस्पिरेशन रहेगी आपकी, आपको जो गिराया गया है इस चीज के ऊपर आप मुझे बिल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो. और ऐसा बिल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो कि इतनी ऊंचाइयों तक जाते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप खुद ही एक लीडर बन जाओ और वहां कोई पहुंच ना पाए. लोग जैसे आपके सामने बहुत छोटे नजर आए, देखो लोग आपके सामने बहुत छोटे नजर आए और आप इतने बड़े, इतनी बड़ी आप पर्सनालिटी बन जाओ, इतने बड़े आप एज ए ह्यूमन बीइंग बन जाओ दैट वो आपका एक स्पेक भी ना रहे, वो मेरे को दिखाई दे रहा है, राइट? एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फॉरगिव करने को भी जैसे माता बोल रही है, क्योंकि दिस विल मेक यू अ बिगर पर्सन, राइट? यू हैव टू बी द बिगर पर्सन इन लाइफ, राइट? ये आपको बताया जा रहा है डेफिनेटली. आप बहुत डिटर्मिंड हो, बहुत ही गोल ओरिएंटेड हो, आप फियरलेसली आगे बढ़ो, राइट? एंड आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको बताया जा रहा है. यहाँ पर आपके लिए सूर्य देव, अग्नि की पूजा करना, हवन करना, यज्ञ करना बहुत अच्छा रहेगा. इससे आपके काफी कर्म भस्म होंगे, इससे आपकी नई एनर्जीज जो है जागृत होंगी. एंड यस, सूर्यदेव को जल चढ़ाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, राइट? आप लोग फायरी क्रिस्टल्स से वर्क भी कर सकते हो, पहन भी सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. एंड रोज ना जोत जलाइए, जोत जला के पूजा कीजिए भगवान की, राइट? दिस विल ऑल्सो हेल्प यू, राइट? एंड आपके लिए ना घर को क्लेंस करो, अपनी एनर्जी को क्लेंस करो, इससे आपकी इस नेगेटिव एनर्जी से आपको राहत मिलेगी, आपको बताया जा रहा है. ऑलराइट, सो दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 4. आज की रीडिंग आपको कैसी लगे मुझे जरूर बताना. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी सीइंग यू वेरी सून एट योर नेक्स्ट रीडिंग. हो जाइए साक्षी माता के 9 रूपों की शक्तियों के.
जिसको चैनल किया गया है इस अद्भुत और शक्तिशाली ब्रेसलेट में। इस ब्रेसलेट को पहनने से आपकी शक्तियां जागृत होंगी, आप अपने आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाइयों तक जाने में सक्षम होंगे। ये ब्रेसलेट को पहनने से आपको सहायता मिलेगी अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने की और एक नई उज्जवल, शीतल और प्रभावशाली ऊर्जा को अपने भीतर आभास करने की। हर एक ब्रेसलेट सिमरन कुमार माथुर द्वारा चार्ज, एक्टिवेट और तैयार किया जाता है। इसमें आपके नाम से पूजा करी जाती है और फिर आपको ये भेजा जाता है। आज ही ऑर्डर कीजिए काली रंग पर। ग्रुप नंबर 5, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप माता के सिकंद माता के रूप से कनेक्ट हुए सो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स फाइंड आउट कि माता आपको क्या बताना चाहती है, राइट? सो माता का जो ये रूप है, माता हैज एंटर्ड मदरहुड एंड यहाँ पे हम कार्तिकेय जी उनके जो है हैंड में, उनकी लैप में देखते हैं, राइट? सो ये एक डिवाइन मदर का रूप है एंड कार्तिकेय जी का नेम इज स्कंदा, राइट? सो इनको माता को स्कंदा माता बोला जाता है, राइट? तो इनके पास जो है ब्लेसिंग्स है, फर्टिलिटी है, राइट? एंड इनके पास पावर है टू बर्थ अ न्यू रियलिटी, राइट? ये मुझे नजर आ रहा है। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए माता आपको क्या बताना चाहती है, आप इस पर्टिकुलर माता से क्यों कनेक्ट हुए, राइट? माता के इस रूप से आपका क्या मैसेज है? डिवाइन टाइमिंग, ओ ब्यूटिफुल, ओके। आस्क फॉर गाइडेंस। इस ग्रुप के लिए ना, जैसे मुझे आप जो है एक वेट करते हो, दिखाई दे रहे हो, राइट? आप किसी चीज के टुवर्ड्स ना आपकी आपका ध्यान है एंड लाइक आपको ना इस चीज, ये चीज कब होएगी आपके लिए, आपका ध्यान इस चीज पे बहुत है, राइट? एंड जैसे आपको क्लैरिटी नहीं है या आपको समझ नहीं आ रहा है, ओके? कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक डिवाइन यूनियन का मैसेज देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए आप कंसीव करना चाहते हो, राइट? कुछ लोग अपने ही चिल्ड्रन के बारे में, यू नो, ये कब होगा उनके लिए आगे पूछना चाह रहे हो, बट डेफिनेटली कुछ क्लैरिटी यहाँ पर मिसिंग मुझे दिखाई दे रही है, राइट? कुछ लोग यहाँ पर अपने काम के प्रति जो है मैसेज लेना चाह रहे हैं। सो जो चीज़ है वो आप अप्लाई कर सकते हो, बट आप वेट किसी चीज़ का यहाँ पर बहुत बेसब्री से कर रहे हो, जिसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है कि ये चीज़ कब होगी, कैसे होगी, या किसी तरीके के डाउट्स आपको हो सकते हैं। आप टाइम का वेट कर रहे हो बहुत बेसब्री से, राइट? ओके, सो वी हैव द थ्री ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स जो है फोर ऑफ कप्स में यू नो एक कन्वर्ट हो रहे हैं। सो यहाँ पर इस कार्ड में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर पेरेंट्स जो है वो सो रहे हैं एंड जो बच्चा है, जो बेबी है यहाँ पर, वो पानी फिलअप कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, लुक एट दिस, यू हैव द टू ऑफ कप्स कन्वर्टिंग इनटू द थ्री ऑफ कप्स। ओके, सो ये ग्रुप जो है सबसे बड़ा मैसेज, यू नो, अगर आप जो है एक बेबी का बेसब्री से वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कब होगा, तो यहाँ पर आपको ना जैसे साइंस मिलेंगे इससे रिलेटेड एंड ये डिवाइन टाइम पे होगा बिकॉज ये एक डिवाइन इवेंट है। ओके, वो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ एंड 5D में आपके लिए कुछ बन रहा है, आई एम एबल टू सी दैट। सो इफ यू आर समबडी हु इज वॉन्टिंग दिस इन योर लाइफ, ओके, एंड आप इस चीज पे आपका फोकस है, ध्यान है, सो आपके लिए मैसेज ये है, आप जरूर मदरहुड को जो है एक्सपीरियंस करोगे। थोड़ा सा डिले जरूर हो सकता है, राइट? लेकिन ये चीज आपकी जिंदगी में आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आप लोग मुझे 2 से 3 होते हुए भी नजर आ रहे हो, ओके, बट ये होगा डिवाइन टाइम पे क्योंकि एक ब्लेसिंग के तौर पर आपकी जिंदगी में एंटर होगा। आपके लिए ना माता को ऑफरिंग्स करना, स्पेशली फ्रूट्स की, चीज़ों की, यू नो, बहुत अच्छा रहेगा, ओके? बिकॉज इससे कुछ दिखाई दे रहा है मुझे आपकी जिंदगी में आता हुआ, राइट? ऑरेंजेस माता को चढ़ाना, अनार, राइट? एंड राइस मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए इफ़ यू डू दिस।
लोटस फ्लावर आप जो है माता को चढ़ाकर अपनी विश माता से मांग सकते हो, जो भी आप चाह रहे हो। ओके यस, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे आप एक्सपेंशन चाह रहे हैं, आप अबंडेंस चाह रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर, आप अपनी लाइफ में कुछ एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी जो है उसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, एंड उसके टूवर्ड्स आप जो है आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा ये, यू नो हाउ टू गो अबाउट इट। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है दैट यस, दिस एक्सपेंशन इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स फॉर यू, दिस ग्रोथ इज ऑन द कार्ड्स। लेकिन आपको जो आपके पास है उसको शेयर करना है, उस चीज को अपने पास नहीं रखना है, इसको आपको आगे बढ़ाना है, उससे मुझे एनर्जी फ्लो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको ना नंबर 333 भी बहुत दिखाई दे सकता है, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा कंफर्मेशन है इस मैसेज का। ओके दैट्स समथिंग दैट्स देयर फॉर यू। एंड अगर खुद से सब कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आपके लिए तो एक मैसेज है यहाँ पर कि आस्क फॉर गाइडेंस, वेदर यू नीड अ गाइड, वेदर यू नीड एन एस्ट्रोलॉजर, अ टैरो कार्ड रीडर, अ काउंसलर, आपको किसी भी या एक मेडिकल प्रोफेशनल से आपको हेल्प चाहिए, कोई भी है, लेकिन आपको कुछ हेल्प लेने को बोला जा रहा है, ये हेल्प से आपकी काफी मदद होगी। ओके ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, इस ग्रुप में ये तो बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि जिस तरीके से, जिस प्लान से आप आगे बढ़ना चाहते थे, आप एक्सपैंड करना चाहते थे, वो आपके लिए सक्सेसफुल नहीं रहा है, वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहा है। ओके एंड यहाँ पर रीस्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। ओके यहाँ पर नए तरीके से बिल्ड करना पड़ेगा, आपको ये बोला जा रहा है। कुछ रेमेडीज अप्लाई करने का भी मैसेज आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया आपका काम ना सिर्फ अकेले आपसे नहीं होगा, यू नीड सम गाइडेंस, यू नीड सम हेल्प, एंड यहाँ पर यूनिवर्स से कनेक्ट करना, किसी की हेल्प लेना, रेमेडीज लेना बहुत आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मुझे एकदम एक ब्यूटिफुल सी स्टोरी याद आई है, मैं बताती हूँ आपको। माता जो होती है ना, जो कार्तिकेय जी होते हैं उनको माता एंड शिव जी अपनी दोनों ही ऊर्जा से, एनर्जी से जो है कंसीव करते हैं, राइट, उनको बिल्ड करते हैं। सो दो एनर्जीज लगती है यहाँ पर, राइट। सो आपके लिए भी मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ कि आपके अकेले कुछ करने से यहाँ पर चीजें नहीं बनेंगी, यू नीड टू बी कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, कुछ रेमेडीज, कुछ अप्लाई आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, तब जाकर आपका यहाँ पर काम, आपकी ब्लेसिंग जो आपकी लाइफ में आएगी और वो बनेगा। सी आपके लिए कार्ड बिल्कुल अलोननेस का है, मैं एग्जैक्टली वही बात आपसे कर रही थी, एंड दैट्स इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स प्रेजेंट। आपके अकेले एफर्ट डालने से काम नहीं बनेगा, हो सकता है आप बहुत प्रैक्टिकल एफर्ट्स डालते जा रहे हो, राइट, या आप जो है आपका ध्यान ज्यादा मटीरियल चीजों के ऊपर है, या उससे ही रिलेशन में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपको शादी करनी है, राइट, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो बट आपकी मैरिज नहीं हो रही है, राइट, तो यहाँ पर आपकी मैरिज प्रैक्टिकलिटी या सिर्फ ऐसे ही बढ़ने से नहीं हो रही है, आपको उस पर्सन को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, अट्रैक्ट करने पड़ेगा, कुछ स्पिरिचुअल रेमेडीज अप्लाई करनी पड़ेगी, कुछ कर्मा क्लियर करना पड़ेगा, कुछ आपको उस प्रकार में आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका काम यहाँ पर सक्सेसफुल हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर डेफिनेटली कुछ कॉर्ड्स, कुछ कार्मा मैं आपको रोकते हुए यहाँ पर देख रही हूँ, जिस जो आपको ओवरकम करना है, और आप कर भी पाओगे सक्सेसफुली, बट इट विल हैपन थ्रू गॉड, राइट, इट विल हैपन थ्रू स्पिरिचुअलिटी, राइट। वी हैव द सन कार्ड हियर, वी हैव द एम्प्रेस कार्ड हियर, डेफिनेटली एम्प्रेस भी फर्टिलिटी की बात करते हैं, एम्प्रेस भी डिवाइन अबंडेंस, एक्सपेंशन, ग्रोथ, बेबीज, इन सब चीजों की बात कर रहा है, राइट। सो वो मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ यहाँ पर कि आपको हेल्प लगेगी, बट उस हेल्प से आप डेफिनेटली अपना गोल जो है अचीव कर पाओगे, क्योंकि कुछ ना रिलीज करने की बहुत जरूरत है, और इसलिए आपका काम अटका हुआ है। ओके एंड जब आप ये रिलीज करोगे, जब आप वो फ्लो को जनरेट करोगे, तब जाकर आप देखोगे कि कैसे मिराक्यूलसली जो चीज आपकी लाइफ में नहीं घटित हो रही थी वो हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक कंप्लीशन मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, विच यू विल बी एक्सपीरियंसिंग इन योर लाइफ। ओके
जैसे आप मुझे बहुत रेडी दिखाई दे रहे हो किसी चीज के लिए, क्योंकि इतना इंतजार कोई बहुत रेडी इंसान कर रहा है कि मैं रेडी हूँ, बट ये कब आएगा मेरे प्रति, ये कब आएगा टूवर्ड्स मी, ओके। लेकिन यहाँ पर जो अटेम्प्ट्स है वो मुझे फेल्ड नजर आ रहे हैं, वो मुझे सैटिस्फैक्ट्री नहीं दिखाई दे रहे रिजल्ट्स, राइट। सो यू वांट मोर, आप जो एक्सपेंशन, जो हैप्पीनेस, जो खुशी, जो ग्रोथ आप चाह रहे हो वो डेफिनेटली आपको मिल सकती है, बिकॉज यहाँ टू ऑफ कप्स की एनर्जी थ्री ऑफ कप्स में कन्वर्ट हो रही है, राइट। बट जैसे मैंने आपको बताया, ये चीज अकेले नहीं होगी, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू क्लियर सम एनर्जी, इट्स इम्पॉर्टेंट टू कट सम कॉर्ड्स, राइट। इट इज इम्पॉर्टेंट टू वर्क विद अ स्पिरिट एनर्जी। ध्यान से देखिए, राइट, यहाँ पर हम एक ब्लू कलर का वाटर, एक ब्लू कलर की एनर्जी देख पा रहे हैं। सो दैट इज स्पिरिट फॉर मी, दैट इज एंजल्स, दैट इज गॉड फॉर मी, एंड ब्लू डेफिनेटली इज शिव एंड शक्ति, जिनकी मैं रीडिंग आज कर रही हूँ आप लोगों के सामने, उनकी शक्ति मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। सो वर्क विद देम एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू, ओके। सो दैट वॉज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 5, यस। एंड आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई लव यू ऑल वेरी मच एंड आई विल बी सीइंग यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। हो जाइए साक्षी माता के 9 रूपों की शक्तियों के, जिसको चैनल किया गया है इस अद्भुत और शक्तिशाली ब्रेसलेट में। इस ब्रेसलेट को पहनने से आपकी शक्तियां जागृत होंगी, आप अपने आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाइयों तक जाने में सक्षम होंगे। ये ब्रेसलेट को पहनने से आपको सहायता मिलेगी अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने की, और एक नई उज्जवल, शीतल और प्रभावशाली ऊर्जा को अपने भीतर आभास करने की। हर एक ब्रेसलेट सिमरन कुमार माथुर द्वारा चार्ज, एक्टिवेट और तैयार किया जाता है। इसमें आपके नाम से पूजा करी जाती है और फिर आपको ये भेजा जाता है। आज ही ऑर्डर कीजिए काली रंग पर। ग्रुप नंबर 6, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने आज की इस रीडिंग को माँ कात्यायनी की एनर्जी से चूज किया है तो दिस इज योर रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि माता आपको क्या बताना चाहती है। सो सबसे पहले माता का जो ये रूप है, इनको हम 6th डे ऑफ नवरात्रि पे पूजा करते हैं इनकी। एंड माता जो है ये एक वॉरियर फॉर्म है माता का, राइट। सो माता के पास 18 आर्म्स है और उनमें शस्त्र है जो सभी देवी देवताओं ने उनको गिफ्ट किए हैं, राइट। सो डेफिनेटली ये जो माता है ये बहुत ही शक्तिशाली माता है, राइट। इट्स अ वेरी पावरफुल फॉर्म ऑफ द गॉडेस। एंड इनका जो नाम भी पड़ा है वो जो एक साधु होते हैं, एक ऋषि होते हैं, ओके, एंड वो बहुत सारी तपस्या करते हैं, राइट, माँ दुर्गा की। एंड वो प्रे करते हैं दैट माता जो है उनकी पुत्री बन के आए, एंड माता उनको ये वरदान देती है। एंड जब माता बॉर्न होती है तो उनका नाम फिर माता कात्यायनी पड़ता है, राइट। सो इस पर्टिकुलर माता के साथ जो है ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई है, वरदान जुड़ा हुआ है, शक्ति ऑफ ऑल द गॉड्स एंड गॉडेसेस जुड़ी हुई है, राइट। एंड इनको कोई नहीं हरा सकता, राइट। सो शी इज फियर्स एंड उनकी जो एनर्जी है ना, मतलब इनके वॉरियर फॉर्म्स की, माता के वॉरियर फॉर्म्स को हम चंडिका एंड भद्रकाली के रूप में भी देखते हैं, राइट। सो इट्स अ वेरी फियर्स फॉर्म ऑफ देवी, राइट, हु इज मतलब कंप्लीटली वेल प्रिपेयर टू गो एंड फाइट, यू नो, टू स्ले द डीमंस, राइट। एक वो चीज डेफिनेटली यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड आप इस एनर्जी से कनेक्ट हुए हो तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है, इसके पीछे एक कारण है, राइट, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि माता का वाहन भी लायन है एंड लायन स्ट्रेंथ को, करेज को यहाँ पर दर्शाता है। एंड जो वेपन्स भी माता को एक्वायर हुए हैं वो सभी देवी देवताओं के, तो सबकी ही एनर्जी इस माता के अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पर
जो ऋषि कात्यायना है राइट, उन्होंने तपस्या के बाद माता को अपनी बेटी के रूप में पाया. सो वरदान की भी एनर्जी यहाँ पर जो है प्रेजेंट है राइट. सो बहुत सारी मिराक्युलस स्टोरीज, बहुत सारी मिराक्युलस एनर्जीज इस एक माता से जुड़ी हुई है. सो देवी कात्यायनी जो है उनकी माता की जो पूजा हम करते हैं दैट इज डन यू नो फॉर मैरिज. सो आपकी शादी में कोई बाधा आ रही है, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, डीलेज आ रहे हैं, या शादी के बाद भी दिक्कतें आ रही है, तो माता को प्रे किया जाता है एंड माता बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो है देती है राइट. एंड इट इज देयर, इट इज ट्रू. सो देख लेते हैं माता की इस खूबसूरत से एनर्जी से आप किस कारण कनेक्ट हुए हैं, आपके लिए क्या मैसेज है, माता आपको क्या बताना चाहती है. फेलियर, एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे इट्स अ गर्ल हूज क्राइंग, यू नो वो रो रही है, वो बहुत ही दर्द में है और उनको ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेट गो. ओ माय गॉड, कैसे कार्ड्स आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है. ये बिल्कुल मतलब फर्स्ट टाइम ये दोनों कार्ड्स मैं देख रही हूँ पूरी इंटायर रीडिंग में, अभी तक एक भी बार ये कार्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे. ओके मैं सारी एनर्जी साथ में रीड करना चाहूंगी क्योंकि डेफिनेटली एक बहुत इन डेप्थ मैसेज मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ यहाँ पर. सिक्स ऑफ वॉन्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्स इज कन्वर्टिंग इनटू सेवन ऑफ वॉन्स. नाइट ऑफ वॉन्स इज कन्वर्टिंग इनटू द क्वीन ऑफ वॉन्स. Very interesting. Nine of Cups. Nine of Wands. My God. Okay. बहुत ही strong message आ रहा है आप लोगों के लिए. Consciousness. Aloneness. Flowering. ऑल राइट. सो इस ग्रुप के लिए सबसे पहला मैसेज जो मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ इज दैट आपने अपनी लाइफ के अंदर यू नो आपने अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपने एस्पिरेशंस को लेकर आप बिल्कुल जैसे रेडी प्रिपेयर्ड यू नो आगे बढ़ रहे हो. एंड वहां पर हुआ क्या कि आपने एकदम से फेलियर देखा, एकदम से सिचुएशन पलट गई राइट. एंड आप यू आर नॉट रेडी फॉर दिस. आपको आपको लगा कि यस मेरी विश तो ये फुलफिल होने ही वाली है, ये तो चीज मेरे लाइफ में घटित होने ही वाली है. अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपने एस्पिरेशंस लगा लिए एंड आपको लगा हो कि बस एवरीथिंग इज योर एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन. इस ग्रुप में मैक्सिमम लोग जो इस एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं, आप लोग इस एनर्जी में जब कनेक्ट हुए हो तो आपकी शादी ऑलरेडी टूट चुकी होगी, या आपका रिश्ता टूटा हुआ होगा, या आपका एक बहुत स्ट्रांग कनेक्शन एंड हो गया होगा जो आपको लग रहा था कि यस ये तो पक्का मैरिज तक जाएगा, या शादी तय होने के बाद आपका एक यू नो ब्रेक हो गया होगा राइट. ये मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत ही क्लोज कम एंड गो वो चीज़ है. एंड अगर आप ये अपने करियर से रिलेट कर रहे हो राइट, सो डेफिनेटली मतलब बहुत ही क्लोज आकर आपको अपॉर्चुनिटी मिस हो गई होगी, ये उस तरीके की चीज मुझे दिखाई दे रही है. बट मैक्सिमम लोगों के लिए ये जो मैसेज है इट इज रिलेटेड टू अ वेडिंग, इट इज रिलेटेड टू अ यूनियन, इट इज रिलेटेड टू मैरिज स्पेसिफिकली राइट. जैसे यहां पर ना आपने एक पूरा आपको फील हुआ कि मेरी विश तो फुलफिल हो गई, मुझे जो चाहिए था मुझे सब कुछ मिल गया. एंड उसके बाद यू मस्ट हैव सीन थिंग्स गो डाउन अ वेरी रॉन्ग वे, जहां पर आप कंप्लीटली कंट्रोल खो चुके हो, जहां पर आप फेलियर देख रहे हो, जहां पर आप लड़ रहे हो बट वो लड़ाई किसी काम नहीं आ रही है राइट. बिकॉज इस कार्ड में भी हम देख रहे हैं कि देयर इज अ लेडी, देयर इज अ गर्ल हू इज फाइटिंग, लेकिन ये जो पर्सन है, जो मैन है, वो अपनी बैक यू नो
पीछे मोड़ चुका है। तो जैसे आप अकेले खड़े हो के लड़ाई कर रहे हो, लड़ रहे हो, लेकिन सामने से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, वहां से भी कोई लड़ाई नहीं हो रही, एंड आप अल्टीमेटली पाते हो कि ये सिचुएशन बदल गई, ये कैसा परिवर्तन हो गया है। ओके, बिकॉज नाइन ऑफ कप्स के साथ नाइन ऑफ वॉन्ड्स भी यही दिखा रहा है कि जैसे कोई बिल्कुल एक विश से एक बिल्कुल ही विपरीत परिस्थिति में चला गया है एंड अपना को अकेला पा रहा है। तो यहाँ पर यूनियन के बाद कोई अकेला क्यों पा रहा है, यहाँ पर पास आने के बाद तो यहाँ पर विश तो कोई टूटी है आपकी, यहाँ पर आप लड़े तो हो राइट, लेकिन आप जो है आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। माता जैसे आपको रिमाइंड कराना चाहती है आपकी खुद की शक्ति का, आपकी खुद की पावर का, एंड यहाँ पर आपको स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी है राइट। आपको अपनी पावर में आना, अपनी इंडिपेंडेंट पावर में आना, आपको कहीं ना कहीं ये भी समझाया गया है दैट यू आर कंप्लीट, आपको किसी और की जरूरत नहीं है कंप्लीट फील करने को या अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आप अपने में आत्मनिर्भर है, आप कंप्लीट है राइट। और ये जर्नी आपको सोलो तय करनी पड़ेगी, इस जर्नी में आपके साथ कोई नहीं होगा। इस जर्नी को तय करने के बाद ब्लेसिंग जरूर आएगी आपकी लाइफ के अंदर राइट। तो दोबारा से चीजें फॉर्म होती हुई यस वो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा और नजर आ रहा है, लेकिन ये जो जर्नी है ना, जो स्ट्रेंथ की है, जो लड़ाई है, ये आपको अकेले लड़ना पड़ेगा। यूनिवर्स माता आपको ये कहना चाह रही है। सो आपने जो लाइफ में अपने फेलियर्स एक्सपीरियंस करे हैं, जो डिफिकल्टीज करी है, जो ऐसी सिचुएशंस है जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको बहुत ज्यादा अकेलापन, बहुत ही अपनी ही नेगेटिव साइड आपके बाहर आई है, तो आपको बोला जा रहा है लेट गो, इट्स टाइम टू लेट इट गो, इट्स टाइम टू रिलीज, इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर ड्रीम्स, क्योंकि आपके ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं राइट। आपके ड्रीम्स सच हो सकते हैं जिंदगी के अंदर, उस चीज पे आपको फोकस करने को बोला जा रहा है राइट। एंड कम इन टू योर पावर, रिकॉग्नाइज हु यू आर, क्योंकि माता के इस रूप से आप कनेक्ट हुए हैं, तो ये माता मैंने बताया था विश फुलफिल करती है राइट। ये माता किसी भी चीज के आगे जाके लड़ सकती है एंड ये माता विजय पा सकती है। तो ये माता आपके भीतर ये शक्ति को जागृत करना चाहती है और आपको रिमाइंड कराना चाहती है दैट यू होल्ड द सेम पावर, द सेम एबिलिटी इनटू यू, अंडरस्टैंड इट एंड एक्टिवेटेड। अपने आपको विक्टिम मत समझिए, अपने आपको एक फेलियर मत समझिए, अपने आपको कम नहीं समझना है, अपने बेस्ट वर्जन को उसके टूवर्ड्स आपको आगे बढ़ना है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है। और ये आप एक मिसाल बनेंगे कि देखो कैसे इस इंसान की जिंदगी में क्या कुछ खराब हुआ था, क्या कुछ टूटा था, फिर भी आज ये यहाँ पहुंच गए, फिर भी आज ये यहाँ पहुंच गया। क्या एक यूनिक स्टोरी है इस पर्सन की, एक इंस्पिरेशन बनने आप आए हो यहाँ पर एंड आप बन सकते हो। माता आपको इस पावर के बारे में रिमाइंड करा रही है एंड जिनकी जिंदगी में इस लेवल, इस मुकाम पे पहुंचना रहता है ना, उनकी लाइफ में कठिनाइयां, स्ट्रगल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं बिकॉज उनको इन चीजों को ओवरकम करना है। ये उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल प्लान्स में लिखा होता है। आपने नोटिस किया होगा कोई भी बहुत ज्यादा एलिवेटेड सक्सेसफुल पर्सन बहुत इजीली सब कुछ नहीं मिल गया होगा उसको, अगर उसने खुद के बेसिस पर, खुद के बलबूते पर सब कुछ बनाया नहीं होता। सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, जो आपको ये बात माता बताना चाह रही है। ओके, so yes, embrace that and live it, okay? So that was your reading and aapko aaj ki reading kaisi lage mujhe zarur batana, do let me know in the comment section and I'll be seeing you very soon at your next reading. Ho jaiye sakshi mata ke nau roopon ki shaktiyon ke, जिसको चैनल किया गया है इस अद्भुत और शक्तिशाली ब्रेसलेट में। इस ब्रेसलेट को पहनने से आपकी शक्तियां जागृत होंगी, आप अपने आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाइयों तक जाने में सक्षम होंगे। ये ब्रेसलेट को पहनने से आपको सहायता मिलेगी अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने की और एक नई उज्जवल, शीतल और प्रभावशाली ऊर्जा को अपने भीतर आभास करने की। हर एक ब्रेसलेट सिमरन कुमार माथुर द्वारा चार्ज, एक्टिवेट और तैयार किया जाता है। इसमें आपके नाम से पूजा करी जाती है और फिर आपको ये भेजा जाता है। आज ही ऑर्डर कीजिए काली रंग पर। कृप
नंबर 7, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप काल रात्रि माँ के फॉर्म से अट्रैक्ट हुए हैं, सो दिस इज योर ग्रुप। लेट्स फाइंड आउट कि माता आपको क्या बताना चाहती है। सो 7th डे ऑफ नवरात्रि पर हम जो है माता की पूजा करते हैं एंड ये काली माँ है। सो यस, काली रंग, काली माँ, और ये जो है आप रीडिंग देख रहे हैं ये काली माँ के ही बारे में है। सो ये माता का सबसे रौद्र रूप, सबसे फियर्स रूप है। ओके, एंड इस रूप के सामने किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, किसी भी तरीके की डार्क एनर्जी खड़ी नहीं हो सकती, राइट? सो माता की जो स्टोरीज है आप हमेशा देखोगे कि उसके अंदर माता डीमंस को स्ले कर रही है, खत्म कर रही है, खराब से खराब डीमंस को, मुश्किल से मुश्किल कामों को जो है माता जाकर अंजाम दे रही है अपने इस फॉर्म में, अपने इस रूप में। तो ये माता हमें सिखाती है दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट? अगर आपने ठान ली, अगर आप वो फियर्स, आप वो बोल्ड एनर्जी को आपने धारण कर लिया अपने अंदर, तो आप किसी भी चीज़ को ओवरकम कर सकते हो और किसी भी तरीके के नेगेटिविटी को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से हटा सकते हो, चाहे वो एक्सटर्नल है या चाहे वो इंटरनल है। ओके, तो ये सीख हमें मिलती है। एंड ऑफकोर्स काली माता से हमें कितनी चीज़ें सीखने को मिलती है, राइट? काली माता जो है She is such a fierce and bold goddess, you know. जब कोई भी देवी या देवता उन demons को नहीं मार पा रहा था, कोई किसी वरदान में बंधा हुआ था, right? और कोई किसी और कारण नहीं मार पा रहे थे, तो वहाँ पर एक माता काली जो है उन्होंने जाकर उन सबका वध किया, उन सबको एंड किया, उन सबको ख़त्म किया। दैट इज हाउ पावरफुल शी इज। तो डेफिनेटली काली माँ काल से परे है, राइट? एंड वो इतनी फियर्स गॉडेस है कि शी कैन, नो नेगेटिविटी कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हर, राइट? एंड एक ये सवाल मुझे बहुत सारे लोगों का आता है कि माता से हम जो है डरा करते थे पहले, लेकिन आपके आपकी वीडियोस देख देख के, आपके आपका माता का एक्सपीरियंस सुन सुन के, अब हमें ना माता से अट्रैक्शन होने लग गई है। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप ऐसे ही नहीं हो काली रंग पे, आप ऐसे यहाँ नहीं आए हो। आपका खुद भी माता से कनेक्शन है, तभी आप यहाँ हो, तभी आप इन वीडियो से कनेक्ट कर रहे हो, आप देख रहे हो, आपके पास आ रही है। दैट इज़ वॉट आई बिलीव, राइट? क्योंकि ये जो भी इस यूनिवर्स में होता है ऐसे ही नहीं होता है, राइट? एंड यहाँ पर माता के साथ भी वही मैं आपको बता रही हूँ कि माता हमारी ना फोर्स, हमारी एक बहुत ही फियर्स साइड को जो है बाहर लेकर आती है, करेजस साइड को बाहर लेकर आती है, और हमें लड़ना सिखाती है, राइट? हमें प्रोटेक्ट करती है फियरलेसली और फियर्सली, बहुत फियर्सली हमें प्रोटेक्ट करती है माता। एंड माता ने मुझे भी किया है इस लाइफ टाइम में, मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया, तभी मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, राइट? एंड आई पर्सनली हैव अ वेरी डीप सोल कनेक्शन विद माता, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने चूज किया तो कुछ मैसेजेस आपको माता के द्वारा यहाँ पर चैनल होने बहुत जरूरी है। बट ये जो माता का भयानक रूप है ना, ये उन लोगों के लिए है जो एक नेगेटिविटी के अगेंस्ट खड़े हुए, वो नेगेटिविटी के लिए रूप। इट्स नॉट टूवर्ड्स यू, बिकॉज आपके लिए माता इज द मोस्ट प्रोटेक्टिव माता। सोचो, एक मदर होती है वो ऑलरेडी अपने चाइल्ड से कितना प्यार करती है, कितनी प्रोटेक्टिव होती है, एंड ऊपर से इट्स अ मदर हु इज माँ काली, सो शी विल प्रोटेक्ट यू फियर्सली। वो आपके हित में लड़ेगी, मतलब वो आपके लिए लड़ेगी, वो आपकी रक्षा करेगी, वो आपसे नहीं लड़ रही है। यहाँ माँ से डरने या भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग डरते कि माँ में, घर में माँ की फोटो नहीं रख सकते, मूर्ति नहीं रख सकते, माँ खून मांगती है, माँ लड़ाई करवाती है। किसने बोला आपको ये सारी बातें? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे खुद के घर में इतनी बड़ी माता की मूर्ति है, राइट? एंड बहुत बार आपने काली रंग पे देखा होगा, मैं पोस्ट भी करती रहती हूँ। आई एम टेलिंग यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। वॉट माता डज इज शी प्रोटेक्ट्स यू फियरलेसली, राइट? एंड फियर्सली वो आपके अंदर वो करेज भर देगी, वो आपको एक डिवाइन रक्षक जैसे आपकी रक्षा करेगी, राइट? एंड कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है, इट विल नॉट कम एंड टच यू और स्टे विद यू फॉर एवर, वो काट देगी माता, राइट? तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए नहीं, बट रादर नेगेटिविटी के लिए है। ओके, माता आपको क्या बताना चाह रही है? वर्दीनेस। ओके, स्ट्रेंथ। माँ काली यहाँ पर प्रेजेंट है,
पर स्ट्रेंथ का कार्ड कैसे ना प्रेजेंट हो। ओके, सो यहाँ पर माता आपको बताना चाह रही है दैट अपनी सेल्फ वर्थ को समझो, राइट? अपनी इनर स्ट्रेंथ को जानो। यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग, आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्तियाँ हैं। मुझे इस ग्रुप में स्पेशली ऐसे बहुत लोग कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो अपने क्राउन चक्रा, उन आपके थर्ड आई चक्रा, ये एक्टिव है आपके अंदर की एनर्जी। आप ऑलरेडी इन्विजन करते हो, अभास करते हो चीज़ों का, आपको ऑलरेडी डिवाइन मैसेजेस आते हैं। माता आपको बताना चाह रही है दैट यू आर सो स्ट्रांग। मैं कार्ड शफल करती, मेरे लैप में दो कार्ड्स जो है यहाँ पर आके गिरे हैं। यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्स इज कन्वर्टिंग इन टू फोर ऑफ वॉन्स, एंड फोर ऑफ वॉन्स मेरे लिए एक घर है, एक स्टेबिलिटी है, एक ट्विन फ्लेम यूनियन है, राइट? अपने पाथ की डेस्टिनेशन है, ओके? एंड यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज कन्वर्टिंग इनटू द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके? ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स कन्वर्टिंग इनटू द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको ना कोई बांध नहीं सकता, आपको ये सुनना जरूरी है कि कौन से फॉर्म में माता आपको बोल रही है, आप समझ जाओगे। लेकिन आपको आपको माता बताना चाहती है आपको कोई बांध नहीं सकता, राइट? इवन दो यू मे फील लाइक आप बंध गए हो, राइट? आप एक जगह पर अटक गए हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। माता आपको बोलना चाह रही है नो बडी कैन टाई यू, यू आर फ्री, आपकी स्पिरिट फ्री है, राइट? एंड ये जो फ्री स्पिरिटेड आप पर्सन हो, जो आप एक मैजिकल बीइंग आप हो, जो माता से कनेक्टेड आप हो, तो आपको क्या लग रहा है कि माता आपको ऐसे ही छोड़ देगी? बिल्कुल भी नहीं, राइट? माता आपको हाथ पकड़ के आपकी जर्नी पे आगे लेके जाएगी और आपकी डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचाएगी। ऑल यू हैव टू डू इज कॉल फॉर हेल्प एंड इन्वोक हर एनर्जी। माता की उस एनर्जी को अपने भीतर इन्वोक कीजिए, उस एनर्जी को अपने भीतर फील कीजिए, राइट? आपके लिए रोज माता की पूजा करना बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उनको प्रे करो, उनका मंत्र जाप करो, ओम एम रीम क्लीम चामुंडा विच है, एंड माता को यहाँ पर बोलो कि मेरे अंदर अपनी शक्ति को जागृत करो माँ, राइट? मेरी रक्षा करो, क्योंकि डेफिनेटली किसी ना किसी सिचुएशन में तो आप अटके हुए हो एंड यू नीड हेल्प, और माता यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए बिल्कुल प्रेजेंट है। शी इज राइट हियर, ओके? बस आपको अपनी शक्ति को यूज करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को यूज करना है, बाकी का काम जो है यहाँ पर माता करेगी आप लोगों के लिए। मैं एक वो चीज आप लोगों के लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ। माता से बात करो एंड आस्क हर फॉर वॉट एवर हेल्प यू नीड, शी विल हेल्प यू, ओके? द मून, मुझे यहां पर भी एक रास्ता दिखाई दे रहा है, इस कार्ड में भी एक रास्ता दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, ओके? एंड अगेन वी हैव द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, वी हैव द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माई गॉड, वी हैव द फाइव ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? इस ग्रुप ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ईवल आए, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, हेवीनेस, टॉक्सिसिटी, लोगों से धोखा पाना, ओके? आपको अबैंडन कर दिया, इस तरीके की चीजें दिखाई दे रही है, और बहुत सारे लोगों से अटैक, आपका दिल बहुत तोड़ा गया हो, आपको बांधा गया हो तंत्रों मंत्रों से, वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपकी लाइफ खराब हुई हो, आपकी हेल्थ खराब हुई हो, राइट? आपकी जिंदगी बिखर गई हो, और आप जैसे उस चीज का ना सामना ना कर पाए हो, यानी कि उतनी स्ट्रेंथ आप में ना रही हो कि आप यू नो कर पाओ, लेकिन फिर भी आप खड़े रहे, फिर भी आपने लड़ने का प्रयास जरूर किया यहाँ पर, राइट? तो डेफिनेटली यहाँ पर माता आपके लिए ये मैसेज, आपके लिए ये गाइडेंस आपको देना चाह रही है दैट इनवोक हर टू क्लियर ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन योर लाइफ, क्योंकि मैं आपकी लाइफ में बहुत कुछ घटित हो चुका है वो यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। बहुत दर्द आपने सहा है, बहुत अकेलापन, बहुत लोनलीनेस, बहुत ही वेट, बहुत ही अलूफनेस, ओके? लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है, आपको गलत लाइट में देखा है, राइट? एंड यहाँ पर
नेगेटिव एनर्जी से आप इफेक्ट हुए हो, इल हेल्थ से आप इफेक्ट हुए हो, आई कैन सी दैट। एंड चीजें मतलब जैसे आपका दिल ब्लीड कर रहा हो, यू नो खून निकल रहा हो, यू नो वो चीज मुझे नजर आ रही है, बट आप खड़े रहे, राइट आप खड़े हुए हो। सी इतना ज्यादा होने के बाद भी आप चाहे ब्लॉक्ड ही क्यों ना हो, स्टक ही क्यों ना हो, फिर भी आप खड़े हुए हो। तो यहाँ पर आपको बचाने माता स्वयं आएगी, आपको बोला जा रहा है राइट, जस्ट टॉक टू हर, जो भी आपको चाहिए माता से मांगो और माता आपका आगे का पाथ दिखाएगी आपको। ध्यान से देखिए, इस कार्ड के अंदर भी हमें एक रास्ता दिखाई दे रहा है जो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच रहा है, एंड इस कार्ड के अंदर भी ये पाथ हमें दिखाई दे रहा है राइट। यहाँ पर भी हम दो एनर्जीज को देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी हम दो एनर्जीज को देख पा रहे हैं, बहुत ही रिफ्लेक्टिव कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। सो डेफिनेटली आपको माता यहाँ पर बोल रही है, All you need to do is talk to her, invoke her, and Mata will help you. और आप इस negative energy से भी बाहर निकालने में माता आपको help भेजेगी right? और इस help की guidance सुनते सुनते आप बाहर निकल जाओगे। आपके लिए मुझे एक physical world में भी divine support नजर आ रहा है present. माता तो है ही आपके साथ, उसके अलावा माता physically किसी को आपकी जिंदगी में भेजेगी जो आपका आपकी जिंदगी के path पे आपका partner बन के साथ में चलेगा, आपको गाइडेंस देगा, आपको आपके मार्ग तक लेकर जाएगा और आपकी रक्षा भी करेगा। ओके, एंड मोर देन वन, आपको मतलब और ज्यादा लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपकी इस जर्नी में आपको बड़ा प्रोटेक्ट कर करके आगे लेकर जाएंगे। ओके, एंड इस चीज में यूनिवर्स जो है साथ दे रही है, आई कैन डेफिनेटली सी दैट फॉर यू। ओके, हीलिंग And celebration, beautiful. So माता यहाँ पर आपको बताना चाहती है कि healing के द्वारा, spirituality के द्वारा, अपने आप को realize करके, अपने wounds को heal कर आप अपनी जिंदगी में इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकते हो कि आप लाइफ को सेलिब्रेट करें। एंड यहाँ तीन लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं आपको बता रही थी, मुझे एक फिजिकल पर्सन का हाथ दिखाई दे रहा है और एक सेलेस्टियल, माता का हाथ भी यहाँ पर है एंड फिजिकली भी माता आपको कोई पर्सन यहाँ पर देगी जो आपकी इस लाइफ की जर्नी को आसान बनाएगा। एंड आप यू नो आप जिंदगी में चैलेंजेस को ओवरकम कर पाओगे इस करके राइट, वो भी एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है। सो दैट वॉज योर रीडिंग एंड लेट मी नो हाउ इज द रीडिंग फॉर यू, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। एंड यस, आई विल बी वेरी हैप्पी टू रीड योर मैसेजेस, टू कनेक्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड आई विल बी सीइंग यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। हो जाइए साक्षी माता के नौ रूपों की शक्तियों के, जिसको चैनल किया गया है इस अद्भुत और शक्तिशाली ब्रेसलेट में। इस ब्रेसलेट को पहनने से आपकी शक्तियां जागृत होंगी, आप अपने आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाइयों तक जाने में सक्षम होंगे। ये ब्रेसलेट को पहनने से आपको सहायता मिलेगी अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने की और एक नई उज्ज्वल, शीतल और प्रभावशाली ऊर्जा को अपने भीतर आभास करने की। हर एक ब्रेसलेट सिमरन कुमार माथुर द्वारा चार्ज, एक्टिवेट और तैयार किया जाता है। इसमें आपके नाम से पूजा करी जाती है और फिर आपको ये भेजा जाता है। आज ही ऑर्डर कीजिए काली रंग पर। एट, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप माता के महागौरी के रूप से जो है कनेक्ट हुए तो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी कि माता आपको क्या बताना चाहती है। ओके, कार्ड गिर चुका है बट थोड़ा सा माता के बारे में आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी। सो सबसे पहले माता का जो ये रूप है, महागौरी की पूजा आठवें दिन पे करी जाती है नवरात्रों के। एंड माता का जो ये रूप है, माता के फोर आर्म्स है राइट, एंड एक आर्म में वो त्रिशूल कैरी करती है, दूसरे में उनके पास जो है डमरू होता है, एंड बाकी के जो हैंड्स है वो एक वरधा एंड अभया मुद्रा में होते हैं, जो आपको फियर को ओवरकम करने में हेल्प करते हैं एंड आपको ब्लेसिंग्स देते हैं लाइफ के अंदर राइट। एंड माता एक बहुत ही शुद्ध वाइट गोल्डन एनर्जी में दिखती है। सो माता का ये जो स्वरूप है एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आता है राइट। सो दैट इज माता काली के बाद, जब माता
काली बनकर अपना गंगा में स्नान करती है, तो वो सारा ही नेगेटिविटी जो उन्होंने एब्जॉर्ब करी होती है, जो वो कलर होता है, वो सब बह जाता है एंड उनका दोबारा से एक श्वेत रूप वापस से बाहर आ जाता है. एंड इट इज मतलब इतना प्योर होता है वो, दैट उसके बाद माता को ये महागौरी रूप में देखा गया, राइट. एंड यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड गिरा है वो ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड गिरा है. एंड जैसे कि मैं आपको बता रही थी, आई वाज जस्ट शफलिंग, एंड ध्यान से इस कार्ड को देखिए. माता की स्टोरी तो आप जानते हैं, बट इस कार्ड को भी देखिए. यहाँ पर कोई अपनी ब्लू कलर की एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी वाइट अपने प्योर स्किन में दोबारा आ रहा है. एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टेलिंग यू, इट्स अ सिंबॉलिक एनर्जी के माता अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को रिलीज करके अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ रही है. एंड जब हम रीडिंग्स कर रहे थे तो इस रीडिंग में काफी बार जो है एक शक्ति को एम्बॉडी करने का, शक्ति में आने का जो है मैसेज आ रहा था, लेकिन इस ग्रुप के लिए तो मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली देख पा रही हूँ दैट नेगेटिविटी फियर्स को यहाँ पर रिलीज करने को आपको जैसे बोला जा रहा है. एंड यू नीड टू कम इनटू योर ओन पावर. ओके, ओ माय गॉड, लुक एट दैट. आई जस्ट शफल द कार्ड्स, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड हियर वी हैव अ कार्ड ऑफ फियर. लाइक आई वॉज टेलिंग यू, लुक हाउ द रीडिंग इज बिल्डिंग. आपके सामने जो है ये रीडिंग बिल्ड हो रही है एंड आपको जो है मैसेजेस आपके सामने आ रहे हैं. सो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग मैसेजेस चैनल कर पा रही हूँ, राइट. इस ग्रुप को कुछ रिलीज करना है, क्योंकि जो भी आपके साथ है वो हेल्दी फॉर्म में नहीं है, वो आपको ब्लॉक कर रहा है, वो आपको रोक के रख रहा है. ओके, आपको अपने ओरिजिनल स्वरूप में आना है, और आपका ओरिजिनल स्वरूप क्या है, ये डिवाइन बीइंग. इस डिविनिटी को, अपनी डिविनिटी को, अपनी प्योरिटी, अपनी पावर्स का एहसास आपको होना चाहिए, राइट. यू आर नॉट सपोज टू फील लेस, या आपको यहाँ पर फियरफुल नहीं फील करना है किसी चीज को लेकर. सी, मैं आपसे बात करी थी एंड एकदम ये कार्ड गिरा. सो फोर ऑफ कॉइन्स इज कन्वर्टिंग इनटू द फाइव ऑफ कॉइन्स. ओके, सो यहाँ पर जैसे चीजें बिखर चुकी है एंड यहाँ कोई बहुत ही बेड बेड के एक एक चीज समेट रहा है. ओके ओके, we have the king of coins and we have the page. okay, so the page of coins. एंड मुझे देखो, आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हो एंड माता बिल्कुल आपके पीछे दिखाई दे रही है प्रेजेंट. ओके, तो जैसे मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है आप लोगों के लिए दैट आपकी जिंदगी में चीजें बिखरी हुई है, राइट. आपकी लाइफ के अंदर देर आर थिंग्स दैट हैव नॉट वर्कड आउट फॉर यू, लेकिन आपको ये जर्नी तय करनी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप उसके मिडिल में हो. माता आपको ये बताना चाहती है, राइट. मुझे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली दिखाई दे रहा है जैसे आपकी लव लाइफ यहाँ बिखर गई, आपका काम बिखर गया, राइट. क्योंकि यहाँ पर दो बहुत स्ट्रांग एनर्जीज यहाँ पर प्रेजेंट दिखाई दे रही है, लेकिन माता आपको बताना चाहती है कि ये इस ट्रांसफॉर्मेशन के काबिल आप हो, बट आपको कुछ रिलीज करना पड़ेगा. अपने लिमिटेड बिलीफ सिस्टम्स, अपनी शैडो सेल्फ को हील करना पड़ेगा. माता को आपको इन्वाइट करना पड़ेगा एंड दोबारा से अपनी एनर्जी, अपनी विश को यहाँ पर मैनिफेस्ट करने को आपको बोला जा रहा है, राइट. इसके द्वारा यू कैन रीच वेयर यू आर वॉन्टिंग टू रीच इन योर लाइफ. ऑलराइट, लोग ना आपका बहुत विरोध करेंगे इस लाइफ टाइम में, लॉट ऑफ पीपल विल स्टैंड अगेंस्ट यू, बट यू हैव टू नो दैट आप बहुत ही इंडिविजुअल हो, आप बहुत ही अलग आपकी एनर्जी, आप हर जगह फिट इन नहीं होगे, यू आर नॉट मेंट टू फिट इन. इसलिए सब लोग आपकी एनर्जी को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे एंड आपको समझना पड़ेगा कि आप कितने यूनिक हो. ओके, डेथ, सी यहाँ पर डेथ भी एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, एक फीनिक्स राइजिंग की बात कर रहे हैं. डेथ डजंट मीन अ लिटरल डेथ हियर, इट मीन्स अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट रिक्वायर्स, जो हम फीनिक्स भी देख रहे हैं, एक अपने ही अंदर से दोबारा जन्म लेना. ओके, तो आपको आपकी परिस्थितियां कुछ इस कदर आपकी जिंदगी में आपको फोर्स करेंगी कि आपको ऐसा फील हो कि मैं इतनी रिन्यू हुई हूँ, मैं इतनी चेंज हुई हूँ इस लाइफ में कि मैंने दोबारा जन्म लिया है. ऑलराइट, एंड ये तो मतलब बिल्कुल आपके पाथ पे होगा ही होगा, खुद दिखाई दे रहा है. अबंडेंस, ध्यान से इस कार्ड को भी देखो, इसमें भी हमें एक परिवर्तन, एक चेंज दिखाई दे रहा है. बट ये जो डेथ है ना, इट विल बी ऑफ सच अ पॉजिटिव नेचर फॉर यू, बिकॉज इसके बाद एक बिफोर एंड आफ्टर मार्क हो रहा है आपकी खुद की लाइफ में. एंड इस बिफोर एंड आफ्टर के बाद आप
अपनी जिंदगी में भोग कर रहे हो, जो कुछ आपने खोया है, जो कुछ आपने सैक्रिफाइस करा है, जो कुछ आपसे लिया गया है, वो सोच समेत सब कुछ अबंडेंट करके मल्टीप्लाई करके वापस आपकी लाइफ के अंदर दिया जाएगा। एंड आप उस चीज का मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे से उस चीज को एक्सपीरियंस कर पाओगे। इस परिवर्तन को ना कि सिर्फ आप बट आपके द्वारा बाकी लोगों के लिए भी एक एग्जेम्पलरी एग्जाम्पल बनते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो अबंडेंस का कार्ड है, इनके पास इतना है कि ये दूसरों को भरपूर दे सकते हैं। ही इज ओवरफ्लोइंग विथ थिंग्स, राइट? ही इज ओवरफ्लोइंग विथ एनर्जीज, वो मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आप खुद ही एक ऊर्जा का भंडार बन जाओ, आप खुद ही, आपके पास इतने सोल्यूशंस निकल आए, इतनी सारे रस्ते, इतनी सारी विजडम कि आप दूसरे लोगों की भी मदद कर पाओ। बट ये आपकी एक डेथ तो निश्चिंत है इस लाइफ टाइम में, ओके? एंड यस, दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान से देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपके लिए इस लाइफ में पूरा होते हुए देख रही हूँ। एंड इसके बाद आपके जीवन में परिवर्तन है, इसके बाद आपके जीवन में इतना मेजर, इतना मैसिव चेंज है, ओके? बट यू हैव टू लेट गो ऑफ योर ओल्ड सेल्फ, राइट? कुछ लोग इस जर्नी को पूरा कर चुके होंगे तो आपको बताया जा रहा है कि आगे क्या आने वाला है, कुछ लोग इस जर्नी के बीच में होंगे, बट ये एक जर्नी तो डेफिनेटली आपकी दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर ना एक लव का कार्ड भी बैकग्राउंड में आया हुआ है, ओके? सो जैसे माता आपको ये भी बताना चाह रही है कि अगर आपकी लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, राइट? अगर आपके रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम है दूसरे लोगों को लेकर, स्पेशली आपके हार्ट चक्रा से कनेक्टेड, उसको ट्रांसफॉर्म करने को, उसको हील करने की पावर आप अपने अंदर रखते हो, राइट? एंड लेट गो करने की भी। अगर इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग इन योर फेवर, देन यू आर सपोज टू लेट इट गो, बिकॉज ये कार्ड यहाँ पर डेथ कार्ड का भी है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। सो यू हैव टू, आपको असेस करने को बोला जा रहा है चीजों को, बट आपको ये डेफिनेटली बोला जा रहा है दैट यू आर नॉट अलोन एंड यू आर नॉट पावरलेस। वो शक्ति आपके भीतर है, माता आपके साथ है, आप वर्क करोगे तो आपको उस चीज का रिजल्ट मिलना तय है, ओके? ये आपको बताया जा रहा है। एंड यू आर मेंट टू बिकम समथिंग बिग, यू आर मेंट टू डू समथिंग बिग। रियलाइज करो अपने फुल पोटेंशियल को, रियलाइज करो अपने बेस्ट सेल्फ को, और उस बेस्ट सेल्फ को बनने का प्रयास आपको करना है। जो आपकी विशेस है, जो आपकी डिजायर्स है, जो आपके ड्रीम्स है, जो आपके एस्पिरेशंस है, जो आपके गोल्स है, वो खुद ब खुद अचीव हो जाएंगे जिंदगी के अंदर, ओके? सो ये आप लोगों के लिए महागौरी से मैसेज है। एंड आपको आज की रीडिंग कैसी लगे मुझे जरूर बताना, जो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज मेंशन कर देना कि आप ग्रुप 8 से हैं, आपने महागौरी की एनर्जी से कनेक्ट किया। सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के भी। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस टाइम। आई विल बी सीइंग यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। हो जाइए साक्षी माता के 9 रूपों की शक्तियों के, जिसको चैनल किया गया है इस अद्भुत और शक्तिशाली ब्रेसलेट में। इस ब्रेसलेट को पहनने से आपकी शक्तियां जागृत होंगी, आप अपने आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाइयों तक जाने में सक्षम होंगे। ये ब्रेसलेट को पहनने से आपको सहायता मिलेगी अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने की, और एक नई उज्जवल, शीतल और प्रभावशाली ऊर्जा को अपने भीतर आभास करने की। हर एक ब्रेसलेट सिमरन कुमार माथुर द्वारा चार्ज, एक्टिवेट और तैयार किया जाता है। इसमें आपके नाम से पूजा करी जाती है और फिर आपको ये भेजा जाता है। आज ही ऑर्डर कीजिए काली रंग पर। नंबर 9, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने आज की इस रीडिंग को माँ सिद्धिदात्री की एनर्जी से चूज किया है तो दिस इज योर रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि माता आपको क्या बताना चाहती है। सो माता का ये जो रूप है, इनकी पूजा हम 9th डे ऑफ नवरात्रि पर करते हैं। एंड माता जो है ये सिद्धियां देती है,
राइट। सो सिद्धिदात्री का मतलब ही ये है, हु इज द प्रोवाइडर ऑफ ऑल सिद्धीज, ओके। एंड माता का ये जो फॉर्म है राइट, ये लोटस के ऊपर विराजमान होती है माता, राइट। एंड इनके हाथ में एक गदा होता है, इनके हाथ में चक्र होता है, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी, माता जो है ये महाशक्ति की एम्बॉडीमेंट है, यानी कि सुप्रीम गॉडेस जिन्होंने यूनिवर्स को क्रिएट किया। और ऐसा माना जाता है कि शिव जी ने भी अपनी जो सारी सिद्धियां है वो माता को, सिद्धिदात्री को प्रे करते हुए ऑब्टेन करी, ओके। सो डेफिनेटली आप एक रेलेवेंस यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब हम पावर्स की बात करते हैं, जब हम सिद्धियों की बात करते हैं, राइट। सो यहाँ पर माता यहाँ पे प्रोवाइड करती है। सो इन माता से आपने कनेक्ट किया तो डेफिनेटली आपके लिए मैसेज कुछ है यहाँ पर प्रेजेंट। लेट्स सी माता को क्या बताना चाहती है। यू आर नॉट अलोन, ओके। फॉरगिवनेस, perspective, यहां पर भी सिद्धियों की ही बात हो रही है, इवन जो आपके कार्ड्स निकल कर आए हैं इन दैट। ओके, टू कार्ड्स मेरे हैंड से एक साथ पुल हुए, नाइट ऑफ कॉइन्स कन्वर्टिंग इनटू क्वीन ऑफ कॉइन्स, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कन्वर्टिंग इनटू किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यू हैव नाइन ऑफ कप्स कन्वर्टिंग इनटू टेन ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में भी हम यहाँ किसी को देख रहे हैं जो बैठ के मेडिटेशन कर रहा है, पूजा कर रहा है, राइट। एंड ये एस ऑफ वॉन्स के साथ आना एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है और बहुत ही गहरा मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है। मैं समझ रही हूँ, मैं बताती हूँ आप लोगों को। Okay, कार्ड यहाँ पर गिरा है कंट्रोल का, intensity, all right, okay। So maa Siddhidatri से आप लोगों के लिए मैसेज जो चैनल हो रहा है दैट इज, आप लोग बहुत पावरफुल सोल्स हो, आप लोग बहुत पावरफुल बींग्स हो, ओके। एंड आपकी लाइफ का एक उद्देश्य होगा, आपको पता होगा कि मुझे ये गोल है और मुझे इस गोल को अचीव करना है, और आपकी सारी पावर, आपकी सारी एनर्जी, आपका थॉट प्रोसेस, आप यू नो उस चीज के प्रति आपको लेके जाएगा, और वो आग आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली जो है जलेगी, बिकॉज इस पर्पज से बाकी भी यूनिवर्स जो है जुड़ा हुआ है, बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं। तो आपको आपके यू नो लक्ष्य तक, आपको आपके गोल तक जो है पहुंचाया जाएगा, और इसकी नजेस आपको दी जाएंगी। तो आप ना किसी चीज को लेके बहुत ही पैशनेट होगे, राइट, और आपका आपकी बहुत एनर्जी आपको उस डायरेक्शन में खींचती होगी। तो ये डेफिनेटली आपके काम, आपका पर्पस से जुड़ा हुआ है, ओके। लेकिन इसको एक्वायर करना इतना आसान नहीं है आप लोगों के लिए, राइट। तो इसको एक्वायर करने को यहाँ पर आपको, मुझे देन जाकर यहाँ पर सिद्धिदात्री माता जो है उनका रोल नजर आ रहा है, उनकी यू नो वहां पर जाकर आप जो है प्रयास कर रहे हो, आप वो वर्क डाल रहे हो, आप वो स्पिरिचुअल वर्क, वो इनर वर्क डाल रहे हो। बिकॉज इवन दो आप जो अचीव करना चाह रहे हो, इवन इफ दिस इज प्रैक्टिकल, बट यहाँ पर स्पिरिचुअल लेवल का वर्क मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ जो डालना जरूरी है, ओके।
यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स में भी विश फुलफिलमेंट होता है बट इंडिविजुअल, राइट। लेकिन ये लेडी खड़े होके जैसे अपने दो बच्चों को देख रही है, उनके पीछे घर दिखाई दे रहा है एंड वो टेन ऑफ कप्स में कन्वर्ट हो रही है एनर्जी, राइट। एंड इनका जो बैग है वो भी फुल है, राइट। एंड टेन ऑफ कप्स में इट इज, यहाँ पर इट्स यूजुअली दे आर किड्स, इट्स अ हाउस, इट्स अ हस्बैंड, ओके। ये सब एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी आपकी प्रैक्टिकल विश है, आपकी डिजायर है, वो अचीवेबल है थ्रू स्पिरिचुअलिटी। ये बून, ये ब्लेसिंग आपको भगवान द्वारा मिलेगी, लेकिन उस लेवल पर आपको जाना भी पड़ेगा, उस लेवल पर आपको वो पावर को अटेन करना पड़ेगा। आपको अपनी चक्रास को हील करने को बोला जा रहा है, आपको मेडिटेशन करने को बोला जा रहा है। आप जो भी चाह रहे हो उसको स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रांग करके, अपने ऑरा को स्ट्रांग करके उस चीज को मैनिफेस्ट करने को बोला जा रहा है एंड देन यू विल बी एबल टू ब्रिंग दैट इनटू योर रियलिटी, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये भी मैसेज चैनल कर पा रही हूँ दैट आपकी ना किसी से बहुत ज्यादा अनबन है, राइट। लेकिन आपको यहाँ फॉरगिव करना है, आपको इस फॉरगिवनेस से आपकी ये जर्नी जो आगे की यात्रा है ये शुरू होगी। और ये यात्रा का शुरू होना बहुत जरूरी है, एक न्यू जर्नी आपकी शुरू होगी फॉरगिवनेस से, ओके। आपकी ही स्ट्रेंथ, आपकी पावर इस कदर बढ़ेगी, आपको ये बोला जा रहा है। एंड डेफिनेटली देखो यहाँ पर ये कोई क्वीन का कार्ड नहीं है बट मुझे एक प्रेगनेंसी भी दिखाई दे रही है एंड लॉट ऑफ क्रिएटिव एनर्जी इज प्रेजेंट हियर, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है दैट आपके पाथ तक आपको पहुंचाया जाएगा, राइट। आपके पाथ को आपको दे दिया जाएगा, आपके गोल तक भी पहुंचाया जाएगा, बिकॉज आपके अंदर वो एक एक समझ लो वो एनर्जी फिट करके भगवान ने भेजी है कि आपको ये करना है। तो आपको बहुत ज्यादा पैशन होगा इस चीज को लेकर, जो मैं जिस चीज की बात कर रही हूँ आपसे, राइट। लेकिन ये जो है ये सिर्फ ऐसे ही नहीं पूरा होगा आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि आप वो कोशिश करोगे तो दैट कोशिश वो आपकी कामयाब नहीं रहेगी कोशिश, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही जरूरी है दैट यू एक्चुअली वर्क विद स्पिरिट, यू एक्चुअली वर्क विद एंजल्स। आप यहाँ पर माइंड बॉडी स्पिरिट का ये साइकिल जो है बहुत अच्छे से समझ के इस पे वर्क करें। आपको नंबर ना 333 भी दिखाई दे सकता है, ओके। वो मुझे आपके लिए बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। एंड आपको बोला जा रहा है अपने सबकॉन्शियस, अपने कॉन्शियस, अपने हायर सेल्फ, इन तीनों को जोड़कर फिर आप अपना एक्शन लीजिए, फिर आप आगे बढ़िए सब कुछ। यानी कि हाउ डू यू डू दिस, किसी भी चीज के लिए आप अपने सबकॉन्शियस को भी प्रिपेयर करके उसको भी आपने अलाइन करा हुआ है, अपनी सोल को, अपनी बॉडी को, अपनी फिजिकल सेल्फ को, आप हर डायरेक्शन में, हर दिशा से उस चीज के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो जो आप अचीव करना चाह रहे हो एंड देन आप उस, आपको वो चीज जो है हासिल हो रही है, देन आपको उस चीज का जो है वो बून मिल रहा है, वो गिफ्ट मिल रहा है, वो सिद्धियां आपको हासिल हो रही है, राइट। एंड आप जो मटेरियली भी हासिल करना चाह रहे हो इस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि एक स्पिरिचुअलिटी से होता हुआ गुजरता हुआ प्रोसेस है, आपको सिद्धियां भी हासिल होंगी। सो ऑलरेडी आपके अंदर ये प्रेजेंट भी हो सकती है, राइट। वो भी यहां पर नजर आ रहा है आप लोगों के लिए, ओके। कुछ ना लेट गो करना है आपको, राइट। कुछ रिलीज करना है, आई डोंट नो, आपको ना हो सकता है बहुत ज्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट होते हो, एकदम से बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, एकदम से आपकी एनर्जी हिल रही है, बहुत ज्यादा डिप्रेस फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा गुस्सा एंगर फील कर रहे हो। आपको अपने आपको बैलेंस में लेकर आने को बोला जा रहा है, क्योंकि समझ जाओ अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी एक एनर्जी एक चक्रा में बहुत ज्यादा एक्टिव हो रही है। यू नीड टू गेट योर सेल्फ इन टू बैलेंस, इस बैलेंस, इस सेल्फ कंट्रोल, इस चीज से आपके आगे की जर्नी, आपकी यात्रा जुड़ी हुई है। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। सो दैट वॉज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 9। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई लव यू ऑल वेरी मच। आई विल बी सीइंग यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। Thank you.